2 फरवरी की तैयारी आपका बिल्कुल इसी क्लास में हो जाएगा जी हाँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आया हूँ इंग्लिश का 500 वीवीआई क्वेश्चन जी हाँ। अगर आप इस 500 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं तो आपको, अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा, अगर आप इस 500 क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपकी पूरे साल की तैयारी बिल्कुल हो जाएगी जी हाँ। तो आपको शुरू से लेकर आखिर तक क्लास को देखना है, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन पूरे बुक से निकाला गया। अगर आप ये क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको बुक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। तो आपको स्वीकार करना सिर्फ शुरू से लेकर आखिर तक क्लास में बने रहना है, और साथ साथ में आपको आंसर बता देना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो चलते हम लोग यहाँ पे क्लास की ओर, आप लोग साथ साथ में आंसर बता दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका, देखिए फटाफट एड्रेस बताए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। दे वर वॉचिंग मी चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस जी हाँ। जैसा कि आपको एग्जाम में पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे बताने हैं कि दे वर वॉचिंग मी, इस सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ पे 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, आई वॉज बींग वॉच्ड हो जाएगा जी हाँ। जैसा कि आपको पैसिव वॉइस का रूल पता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है जी हाँ। तो यहाँ पे मी का जो ऑब्जेक्ट है मी, उसका सब्जेक्ट हो जाएगा आई, और यहाँ पे जैसा कि जो आई है आई के साथ में क्या लगता है, हमेशा वॉज लगता है जी हाँ, क्योंकि आई क्या है सिंगुलर है, तो यहाँ पे वॉज लग जाएगा। और जब भी क्या आती है कंटिन्यूअस की बात होती है जी हाँ, जब भी अगर वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बींग जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज बींग थर्ड फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉज का वॉज्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को जी हाँ। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा हैव यू डैश राकेश चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे टेंस का फॉर्म यूज होगा वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। जैसा कि आपको बताया कि यहाँ पे हैव का यूज हुआ है, और जो हैव है वो क्या हैव के साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हैव यू सीन राकेश, यानी क्या आपने राकेश को देखा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोला जाए 3 में, कमलेश हैज बीन डैश हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म जी हाँ। यहाँ पे हैज का यूज हुआ है और साथ साथ में यहाँ पे बिल लगाया जी हाँ। तो आपको ये पहचानना जरूरी है कि जो सेंटेंस है ये कौन सा सेंटेंस है। ये जो हमारा है ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जी हाँ। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तो उसमें जो हमारा आता है वर्ब, वो वर्ब का हमारा यानी ING फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कमलेश हैज बीन रिपेयरिंग हिज हाउस फॉर ए फ्यू डेज हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ साथ में आंसर बताते चलेगा सारे क्वेश्चंस का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए स्नेक चार्मर डैश कोबरा ए पॉइजनस स्नेक जी हाँ। यहाँ पे आपको टेंस फॉर्म बताना है, कौन सा टेंस फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नहीं क्या हो जाएगा कैचेज हो जाएगा जी हाँ। तो यहाँ पे जो कैच के साथ में ES लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्नेक चार्मर है हमारा क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा क्या लगता है वर्ब, यानी एस या ES लगता है। चलिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको सारे चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए ऑप्शंस को यानी करेक्ट करने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोला जाए क्वेश्चन 5 में, आई डैश ईटन चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ, यानी कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा वो आपको बतानी है। तो 5 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या हैव है जी हाँ। तो हैव जब भी यहाँ पे थर्ड फॉर्म आता है, और तो यहाँ पे जो आई है हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है हमारा हैव यूज होता है, किसमें यानी परफेक्ट टेंस में। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जाए 6 में, वी डैश बी मैरिड नेक्स्ट वीक। यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन है ऑक्सिलरी वर्ब है वो बताने कौन सा आएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट वीक की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वी विल बी मैरिड नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोला जाए 7 में, डैश यू प्रीफर टी और कॉफी चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे आपको यूज करना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, यानी कैन का होगा, कुड का होगा, वुड का होगा, या विल का होगा जी हाँ। जैसा कि आपको बताइए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं पोलाइट में, यानी विनर मी से किसी का रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं वुड का यूज करते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला जा रहा है, वी डैश कीप द सिटी क्लीन चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताना है कौन सा आएगा। चलिए तो यहाँ पे आपको सोचना है समझना है कि कौन सा आएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा वी शुड जी हाँ। आप सबको बताइए शुड का यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी को एडवाइस देते हैं सलाह देते हैं वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं शुड का। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यानी बी करेक्ट हो जाएगा, यानी हम लोगों को जो सिटी है जो शहर है उसको क्लीन रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोला जा रहा है, वी डैश ओबे द लॉज चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब जी हाँ। यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने हैं कौन सा आएगा। चलिए बिल्कुल मैंने जैसा कि आपको बता दिया, तो 9 का भी ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने वी शुड। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो शुड का इस्तेमाल होता है वो कहाँ होता है, वो एडवाइस देने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी शुड ओबे द लॉज, यानी हम लोगों को आज्ञा का यानी कानून का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। चलिए कहीं कानून को मानना चाहिए।
अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है। लास्ट ईयर माय इंग्लिश कोर्स डैश 30 लेसंस, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पे लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी पास्ट की बात हो रही है। जी हाँ, जब भी पास्ट की बात होती है और जो हमारा टेंस रहता है वो इंडिफिनिट में रहता है, तो यहाँ पे हम लोग वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी क्या हो जाएगा, इंक्लूड का इंक्लूडेड हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है। 11 में एक कार रन्स डैश पेट्रोल, यहाँ पे आपको जो प्रेपोजिशन है वो यूज करने कौन सा प्रेपोजिशन आएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कार है वो किससे चलता है, पेट्रोल से चलता है, तो यहाँ पे हम लोग ऑन का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है। द डॉग रैन डैश द रोड, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन यूज करना है कौन सा आएगा। चलिए यहाँ पे बात हो रही है रोड की। जी हाँ, जब भी हम लोग रोड हो गया या नदी होगा पार करते हैं, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अक्रॉस का। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अक्रॉस द रोड हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है। ही इज डैश जर्मनी, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करने कौन सा आएगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ही इज इन जर्मनी, यानी वह जर्मनी में है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, इनका यूज करेंगे। जी हाँ, तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो एट का यूज होता है वो किसी छोटे प्लेस को दिखाने के लिए होता है। जी हाँ, जैसे जर्मनी में अगर कोई भी प्लेस होता है, कोई भी जगह होता है, स्टेट होता है, तो वहाँ पे हम लोग करते हैं कि ही इज इन जर्मनी एट, कोई भी प्लेस का नाम लेते तो वहाँ पे हम एट का यूज करते हैं, ये आपको याद रखनी है। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे आपको यूज करने कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो 14 में जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है, यानी ही इज इन गुड हेल्थ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए। 15 में चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, यानी आपका प्रेपोजिशन भी आएगा, आर्टिकल भी आएगा, स्पेलिंग करेक्शन करने के लिए भी देगा, तो आपको यानी सारे टाइप के क्वेश्चन मैं इसी मॉडल सेट में कराऊंगा। अगर आप इस मॉडल सेट को देख लेते हैं बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल क्लास को स्किप नहीं करना है किसी भी हाल में। चलिए तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, ही फेल्ड इन फिजिक्स, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने कौन सा होगा, तो यहाँ पे 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, यानी अभय इज रनिंग वेरी फास्ट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है। ही केम ऑन डैश फुट, जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करना है। जी हाँ, अब हम लोग यहाँ पे आर्टिकल की ओर आ चुके हैं, तो बताइए कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं होगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है। डोंट मेक डैश नॉइज, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल पुट करना है कौन सा आर्टिकल आएगा, तो 18 में ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, डोंट मेक ए नॉइज। जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। हैव यू सीन डैश रेडफोर्ड, चूज द बेस्ट आर्टिकल, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल का यूज करने हैं। चलिए जैसा कि आप आपको देख पा रहे होंगे, जो यहाँ पे रेड फोर्ट है, जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो रेड फोर्ट यानी जितना भी हिस्टोरिकल पैलेस है, जितनी भी यानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, उसके आगे हमेशा किसका यूज होता है, वो द का यूज होता है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और आपको ये पॉइंट याद रखनी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जाए। 20 में चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। चलिए तो 20 में देखिए सारे ऑप्शंस को, और फिर राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो 20 में जो ऑप्शन नंबर हमारा बी है बिल्कुल करेक्ट है, जी हाँ, एथिस्ट, तो एथिस्ट का मीनिंग क्या होता है, नास्तिक, और ये आपको स्पेलिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको एग्जाम में बिल्कुल आने के चांस है। चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ, यहाँ पे भी आपको वर्ड चुनना है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो 21 में जो ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, जी हाँ, अलोटेड, अलॉटेड का मतलब क्या होता है, आवंटित, तो ये आपको स्पेलिंग बिल्कुल याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 22, जी हाँ, 22 में भी आ चुका है क्या बोला जा रहा है, यानी स्पेल्ड वर्ड आपको देखना है कि कौन से वर्ड का स्पेलिंग कौन से ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है। तो 22 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, डिसवेडेड, जी हाँ, तो डिसवेडेड का मीनिंग क्या होता है, रोकना, मना करना, तो ये आपको मीनिंग भी साथ साथ में याद रखने हैं। चलिए अब क्वेश्चन 23 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु सिट्स केयरलेसली ऑन द ग्रेनरी फ्लोर इन ऑल टू ऑटम, जी हाँ, जैसे कि ऑल टू ऑटम हमारा क्या है, एक ऑड है, यानी एक पोएम है, तो उसमें जो बोला जा रहा है कि हु सीट्स, यानी कौन लापरवाही से ग्रेनरी फ्लोर में बैठता है। जी हाँ, कौन बैठता है,
आपको अकॉर्डिंग टू पोएम बताने हैं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो 23 में जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नहीं ओल्ड मैन, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक बूढ़ा आदमी बैठता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जा रहा है, यू डैश लाफिंग चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पे आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा आएगा। चलिए तो 24 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी हाँ यू आर लाफिंग। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे ing फॉर्म यूज हुआ है और यू है, यू के साथ में हमेशा क्या आता है आर का यूज होता है, ये याद रखने हैं आपको। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जाए, 25 में द पुलिस अरेस्टेड द थीफ चूज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। जी कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जो हमारा पुलिस है, जी हाँ मैं बता दूं कि जो पुलिस है ये क्या है, थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल नंबर है। जी हाँ, जब भी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होता है तो उसके साथ में हम लोग इसका यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे हैज का यूज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए, 26 में राम एंड योगेंद्र डैश ग्रेट फ्रेंड्स। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा मोस्ट करेक्ट ऑप्शन आएगा, जी हाँ तो यहाँ पे राम एंड योगेंद्र यानी क्या है, एक से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक पर्सन है, तो यानी क्या हो गया, ये प्लूरल हो गया, जब भी प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल होगा वहाँ पे हम लोग इसके जगह में किसका यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, राम एंड योगेंद्र आर ग्रेट फ्रेंड्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोला जा रहा है, माई फ्रेंड एंड आई डैश आवर होमवर्क एवरी डे। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, जी हाँ यहाँ पे आई है, आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो आई के साथ में हमेशा किसका यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए यानी क्या होता है, डू, आई डू आवर होमवर्क एवरी डे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जाए, 28 में द प्राइस ऑफ मैंगोज डैश गॉन अप, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ हैज गॉन अप। जी हाँ, जब भी क्या होता है किसी चीज़ का क्या होता है दाम बढ़ता है तो वहाँ पे होता है कि द प्राइस ऑफ मैंगोज या द प्राइस ऑफ किसी भी चीज़ का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आ जाएगा, नहीं हैज गॉन अप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला जाए, 29 में हिज सैलरी इज 10,000 rupees डैश मंथ। जी हाँ, यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने कौन सा आर्टिकल आएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ए मंथ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 हो चुका है, 30 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, विच लैंग्वेज इज नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे लैंग्वेज है, भाषा है जो हमारा यानी देश का नहीं है, जी हाँ हमारा क्या है, विदेशी भाषा है, कौन सा है, तो जैसा कि यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा इंग्लिश होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इंग्लिश जो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो यहाँ पे जो हिंदी तमिल मलयालम ये सारे क्या है हमारे देश के ही हैं। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है, हु डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1915 to 1948। जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसने 1915 से 1948 तक भारतीय राजनीति में क्या रहा, भारतीय राजनीति में उसका प्रभुत्व कायम रहा, किस कौन से वो नेता है। जी हाँ, तो भी 31 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा महात्मा गांधी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला जा रहा है, हु रोट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। जी हाँ, जो कि हमारा एक सिलेबस का क्या है एक चैप्टर है, तो इसको किसने लिखा है, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, महात्मा गांधी ने लिखा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन। जी हाँ, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वो कब बने थे वो आपको बताने हैं, तो 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1967 यानी 1967 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, 34 में देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी हु सेज दिस इन द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नप। जी हाँ, जो ए पिंच ऑफ स्नप स्टोरी है हमारी बुक में, उसमें जो एक बात कही है यानी देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी यानी ईमानदारी जैसा कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा है वो आपको बताने हैं, तो 34 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, नानू काका, आप सबको बताइए नानू काका क्या है, ये हमारे जो राइटर है उनके क्या है, ये मामा है। चलिए आप 35 देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है, नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। जी हाँ, जो नाने काका दिल्ली आ रहे थे तो क्या करने के लिए दिल्ली आ रहे थे, जी हाँ तो वो क्या करने आ रहे थे, कुछ मिनिस्टर्स को यानी देखने के लिए आ रहे थे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, 36 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जी हाँ, जे आर मतलब जूनियर ये शॉर्ट फॉर्म है, बिलोंग टू तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मार्टिन लूथर किंग, तो ये पे 36 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं द यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए 37 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है,
हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई गांधी जी। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको बताने हैं जो गांधी जी हैं उनसे कौन प्रभावित थे वो बताने हैं आपको। तो 37 में ऑप्शन नंबर जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मार्टिन लूथर की जूनियर गांधी जी से काफी क्या हुए प्रभावित हुए थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है। हु वॉज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड ए मैथमेटिशियन। जी हाँ, कौन एक फिलोसफर भी थे और हिस्टोरियन भी थे और साथ साथ में वो मैथमेटिशियन भी थे। तो 38 में ऑप्शन नंबर सी यानी बर्ट्रेंड रसेल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोला जा रहा है। शिगा नाओया बिलोंग टू विच सेंचुरी। जी हाँ, तो जो शिगा नाओया है एक राइटर है, वो कौन से सेंचुरी कौन सी शताब्दी से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे जो 39 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20th सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। शिगा नाओया इज ए डैश राइटर। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो राइटर थे, तो वो कहाँ के राइटर थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए होगा जैपनीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है। 41 में ए चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय। जी हाँ, एक लेसन है हमारा ए चाइल्ड इज बोर्न, तो इसके राइटर कौन है, इसके किसके द्वारा लिखा गया है। तो 41 में ऑप्शन नंबर ए जर्मेन ग्रियर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन 42 क्या बोला जा रहा है। 42 में डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। जी हाँ, जो डोरोथी एल सेयर्स है वो क्या है, राइटर है हाउ फ्री इज द प्रेस, जो कि हमारा एक लेसन है। तो उसमें उन्होंने वो कहता है, क्या कहता है, द प्रेस इज फ्री। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं द प्रेस इज फ्री समवेयर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 43 को क्या बोला जा रहा है। 43 में अकॉर्डिंग टू पर्ल अस बक द इंडियन पीपल आर। जी हाँ, डीपली जो पर्ल अस बक है उनके अनुसार जो भारतीय लोग हैं वो क्या है, डीपली क्या हो जाएगा, रिलीजियस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, देखने काफी क्या है ये, धार्मिक है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 44 क्या बोला जा रहा है। 44 में पर्ल अस बक हैड ए एन डैश फैमिली डॉक्टर। जी हाँ, जो पर्ल अस बक थे वो एक फैमिली डॉक्टर थे। जी हाँ, तो यानी कहाँ के, चाइनीज इंडियन अफ्रीकन या अमेरिकन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोला जाए। 45 में हु वाज लोमोव। जी हाँ, जो लोमोव है वो कौन है, जी हाँ वो कौन था वो आपको बताने हैं। तो 45 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी वो एक क्या थे, लैंड ओनर थे। जी हाँ, यानी जमीन का वो मालिक थे, यानी जमींदार थे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है। जॉन डॉन इज ए डैश पोइट। जी हाँ, जो जॉन डॉन है काफ़ी फेमस पोइट है, वो कैसे पोइट है वो आपको बताने हैं। तो 46 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी मेटाफिजिकल, जैसा कि आपको बताया कि मेटाफिजिकल मतलब आध्यात्मिक पोइट है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। वाल्ट विटमैन इज डैश ईयर ओल्ड। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू पोएम जो हमारा वाल्ट विटमैन है वो कितने साल के हैं वो बताने आपको। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 37 ईयर्स ओल्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है। द लाइन एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन इफ फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है वो आपको बताने हैं कि ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से है ये राइट लाइन। तो 48 में ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसी से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 49 क्या बोला जा रहा है। थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैज डाई म्यूजिक टू इज फ्रॉम। जी हाँ, ये पंक्ति, ये जो लाइन है ये भी कहाँ से लिया गया वो आपको बताने हैं। तो 49 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल टू ऑटम हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन 50 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। डैश वाज ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर। जी हाँ, तो कौन है, जो क्या थे, लेवर यानी नेचर के, प्रकृति के काफी वो लवर थे, ग्रेट लवर थे, जैसा कि आप सबको बताइए कौन थे वो, जॉन कीट्स थे। जी हाँ, चलिए आप क्वेश्चन 51 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 51 में फिर राइट आंसर होता है कॉमेंट बॉक्स में। द लाइन आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इज फ्रॉम। जी हाँ, ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ, एन एपिटाफ, इसी से ये लाइन लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जाए। 52 में हाउ मेनी वार सनेट्स डिड ब्रूक राइट। जी हाँ, ब्रूक मतलब रूपर्ट ब्रूक, जो कि क्या है, राइटर है। तो उन्होंने कितने वार सनेट्स लिखे हैं वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नहीं 5, यानी 5 वार सनेट्स उन्होंने लिखा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जाए। 53 में द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ। जी हाँ, यानी जो पोएट है, हमारे कवि हैं, द सोल्जर जो हमारा क्या है, एक चैप्टर है, उसमें वो क्या करते हैं,
चित्रण करते हैं, यानी कहाँ के दुख का चित्रण करते हैं तो वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा जी, यानी वार के यानी युद्ध के समय में जो दुख है उसी का चित्रण करते हैं, किसमें? द सोल्जर में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला जा रहा है। 54 में ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ इज फ्रॉम, जी हाँ ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि ह्यूमन लॉ, जी हाँ वो किसने सब कुछ जितना भी ह्यूमन लॉ है उसको तोड़ चुका है, वो कौन है? तो वो जो हमारा है वो कौन है? मैकाविटी, जी हाँ ये क्या है? मिस्ट्री कैट है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 55 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु फाइंड्स मैकाविटी लेजी एंड हाफ अस्लिप, जी हाँ यानी मैकाविटी को किसने लेजी और आधा सोया हुआ पाया, जी हाँ किसने पाया था? तो यहाँ पे 55 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ टी एस इलियट जो कि क्या है? राइटर है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोला जा रहा है। केकी एंड दारू वाला वाज ए डैश पोएट, जी हाँ वो कैसे पोएट से यानी कौन से किस धर्म के थे वो, तो यानी किस धर्म के मानने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर ए यानी पारसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोला जाए। 57 में फायरहाइम इज रिटन बाय, जी हाँ फायरहाइम हमारा क्या है? एक लेसन है जिस जो कि किसके द्वारा लिखा गया वो आपको बताने हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यानी क्या हो जाएगा? केकी एंड दारू वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 क्या बोला जा रहा है। द पोएट इज फील्ड विद प्रोटेस्ट बिकॉज, जी हाँ जो पोएट है वो क्या होते हैं? क्रोध से यानी विरोध से भर जाते हैं। क्योंकि क्यों भर जाते हैं वो? क्रोध विरोध से। यहाँ पे आपको राइटर्स बताने हैं। तो 58 में जो राइटर्स हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ही डज नॉट वांट द स्नेक टू गो इन डार्कनेस, जी हाँ क्यों जाते हैं वो? क्यों विरोध से भर जाते हैं? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि जो स्नेक है जो सांप है वो क्या जाए अंधेरे में जाके चुप जाए, इसलिए वो क्या करते हैं? विरोध से बिल्कुल भर जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 क्या बोला जा रहा है। विच लैंग्वेज हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज, जी हाँ यानी कौन लैंग्वेज है, कौन सी भाषा है जो क्या हो चुका है? एक वैश्विक भाषा यानी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है। तो यहाँ पे 59 में ऑप्शन नंबर ए इंग्लिश बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे आखिरी क्वेश्चन आज की इस मॉडल सीट का। चलिए तो आप लोग को इस क्वेश्चन को बिल्कुल हर हाल में राइट आंसर बताने हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। हु आर नोन एज द इंटरनेशनल इंडियन इंग्लिश राइटर्स, जी हाँ यानी कौन इंटरनेशनल इंग्लिश राइटर्स के नाम से जाने जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो 60 में ऑप्शन में जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी आर के नारायण एंड मुल्कराज आनंद, ये आपको बिल्कुल याद रखने, जी हाँ बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। अहमदाबाद इज डैश मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने, जी हाँ जो कि आपका जो बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न रहेगा वो आपको ग्रामर से और बुक पर्सन दोनों से पूछा जाएगा। तो मैं यहाँ पे ग्रामर में आर्टिकल भी आएगा आपका, उसका क्या एक्टिव पैसिव वाइज भी आएगा। तो यहाँ सारा कुछ मैं आपको इसी मॉडल सेट में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने हैं, तो कौन सा आर्टिकल आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला जा रहा है। ही डैश वीडियो गेम्स, जी हाँ यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म यूज करने हैं, नहीं वर्ब की कौन सी यहाँ पे फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे सेकंड का आइडेंस आपको कमेंट बॉक्स में बताने कौन सा होगा। वेरी गुड, यहाँ पे 2 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आप सबको बताइए जो यहाँ पे ही है वो क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ही के साथ क्या आता है? हमेशा इज आता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है। 3 में दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ड फॉर्म यूज करने है, कौन सा वर्ड फॉर्म यूज होगा? यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे आपको सेंटेंस को पढ़ना है और सेंटेंस को आपको देखना है कि यानी सेंटेंस में कौन सा टेंस आ रहा है। जी हाँ अगर आप टेंस को पहचान लेंगे तो आप लोग वर्क फॉर्म को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट वीक यानी अगले हफ्ते की बात हो रही है, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पे फ्यूचर में क्या लगता है? हमेशा विल लगता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल कम हो जाएगा, नहीं दे विल कम हियर नेक्स्ट वीक हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है। लुक डैश दिस पेंटिंग, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करने, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? जी हाँ जब भी क्या होती है देखने की बात होती है किसी चीज को, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुक एट दिस पेंटिंग, जी हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है। द मुगल रूल्ड डैश इंडिया, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करने, कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? यहाँ पे आप सबको बताइए कि कौन सा हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जी द मुगल रूल्ड ओवर इंडिया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को क्या बोला जा रहा है। 6 में राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी आई हैव होमवर्क टू डू, ये जो हमारा सेंटेंस है बिल्कुल करेक्ट है। और जैसा कि पता है कि जो आपका पिछले ईयर का जो पैटर्न था एग्जाम का, यानी वहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, तो इस बार ऐसा पैटर्न बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। आपको 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 के आंसर करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 60 ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन आपको 60 में यहाँ पे 60 लाने हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में आप लोग अच्छे से आंसर कर सके। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है 7 में, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी देने की कोशिश कीजिए, और जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अपना। गोल्ड इज डैश प्रीसियस मेटल, जी हाँ यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज करने है, कौन सा आर्टिकल आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे द का बोलेंगे, तो यहाँ पे द का यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि द क्या होता है कि पार्टिकुलर नाउन की यूज किया था, अगर यहाँ पे आपको बोल देगा कि भारत का गोल्ड, यानी कोई स्पेसिफिक आपको जगह बता दे कि भारत का गोल्ड, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, द गोल्ड ऑफ भारत इज वेरी प्रीसियस मेटल, यहाँ पे कोई पार्टिकुलर नाउन का यूज नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ए का यूज होगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला जा रहा है, वी सॉ हिम डैश, जी हाँ यहाँ पे आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म यूज करने, कौन सा वर्ब फॉर्म आएगा, जी हाँ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो सॉ है क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला जा रहा है, 9 में आई एम रियली सॉरी डैश यू चूज द बेस्ट वर्ब फॉर्म, दिखाएं यहाँ पे भी आपको बेस्ट वर्ब फॉर्म चूज करने हैं, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने आई एम रियली सॉरी फॉर हिटिंग यू, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला जा रहा है, वी ड्रॉप डैश द डेजर्ट, जी हाँ यहाँ पे आपको जो करेक्ट ऑप्शन चूज करने है, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आपको बताने हैं, तो 10 का कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अक्रॉस द डेजर्ट हो जाएगा। जी हाँ ये वर्ड आता है अक्रॉस, आपने सुना होगा अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर, तो मैं बता दूँ कि जो अक्रॉस का यूज किया था वो कहाँ पे किया था, यानी कहीं भी क्या हो, एक छोर से दूसरी छोर जाना हो और हमको यानी दूसरी छोर का क्या पता हो, यानी लिमिट हो, पता हो कि यानी दूसरी छोर यानी इसका कोई दूसरा छोर है, जैसे नदी का एक दूसरा छोर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे डेजर्ट मतलब क्या होता है, मरुस्थल, हमको पता है कि एक छोर से दूसरी छोर हम लोग जा सकते हैं, हमको पता है कि नहीं डेजर्ट का क्या होता है, दूसरा छोर होता है और क्या होता है, लिमिट होता है, तो हम लोग वहाँ पे अक्रॉस का यूज़ करते हैं। अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, आई यूज डैश टू द सिनेमा अलॉट, जी हाँ यहाँ पे आपको कौन सा यानी एक्सप्रेशन यूज करना है, कौन सा मीनिंगफुल एक्सप्रेशन आएगा, जी हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, यानी आई यूज टू गो टू सिनेमा, गो टू द सिनेमा अलॉट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है, हैव यू हर्ड हर डैश ए जोक, जी हाँ यहाँ पे आपको मीनिंगफुल एक्सप्रेशन यूज करने कौन सा आएगा, तो मैं बता दूँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखा नहीं क्या हो जाएगा, हैव यू हर्ड हर्ड टू टेलिंग ए जोक, यानी आपने कभी उसको जो कहते हुए सुना है, यहाँ पे यानी कहते हुए, जाते हुए, गाते हुए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यानी वर्ब का कौन सा आता है, यानी आई एन जी वाला फॉर्म आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेलिंग हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने में आएगा, तो आप लोग देख के आंसर आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 आ चुका है स्क्रीन पे, क्या बोला जा रहा है, द कैट जंप्ड डैश द चेयर, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट प्रीपोजिशन यूज करने कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ऑन टू द चेयर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक ऑन आता है प्रीपोजिशन है और एक होता है ऑन टू, तो ये दोनों का यूज क्या है और कहाँ पे होता है, तो मैं बता दूं कि ऑन का यूज कहाँ होता है, सबसे पहले बताता हूँ, तो ऑन का यूज वहाँ पे होता है जहाँ पे कोई चीज़ किसी सतह पर क्या होती है, रहती है, उससे क्या रहती है, वो टच में रहती है। जैसे यहाँ पे अगर ऑन का यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या होगा, द कैट इज ऑन द चेयर, जी हाँ जो बिल्ली है वो कहाँ है, चेयर पर है, यानी चेयर के सतह पर है और क्या है, उससे टच में है, तभी हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। और ऑन टू का यूज़ कहाँ करेंगे, जब कोई चीज़ कहीं से चल करके किसी सतह पर आएगी, किसी सतह पर रुकेगी। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने यूज़ किया, क्या किया कि द कैट जम्प्ड ऑन टू द चेयर, यानी जो बिल्ली है वो कहाँ पे जंप की, यानी चेयर के ऊपर की, तो यानी सतह पहले वो टेबल के ऊपर नहीं थी, यानी बाद में वो कूद के टेबल के ऊपर, यानी टेबल के सतह में गई, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ऑन टू का यूज़ किया। तो मैंने ऑन और ऑन टू का यूज़ बता दिया आपको, और अगर कहीं भी अभी आपका इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन 15 भी आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इट इज़ ए पेंटिंग डैश ए फेमस पेंटर, जी हाँ यहाँ पे आपको बताने कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा, जी हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ नहीं बाई ए फेमस पेंटर हो जाएगा। आपने सुना भी होगा कि बाई मतलब जो भी पेंटर होता है अपना नाम लिखता है, क्या लिखता है, बाई डैश, यानी जो भी उसका नाम रहता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ यहाँ पे आपको जो करेक्ट सेंटेंस है, जो सही वाक्य है आपको उसको चूज करना है, कौन सा होगा, तो 16 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ नहीं ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, जी हाँ यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको ग्रामर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी आपको सेंटेंस करेक्ट में भी देगा, स्पेलिंग करेक्शन में भी देगा, उसके बाद आपको यानी आर्टिकल प्रीपोजिशन आपको ये सारा देगा। तो यहाँ पे 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे,
देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट सेंटेंस दिखा, यहाँ भी आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करने हैं। 18 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा नहीं, ही केम हियर ऑन फुट, यानी वो पैदल आया। यहाँ पे कैसे आया? पैदल आया। जब भी पैदल आने की बात होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हम लोग ऑन फुट यूज करेंगे। जी हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कहीं पे भी, यानी फुट के बारे में आओ, यानी पैदल चलने के बारे में, तो हम लोग ऑन फुट यूज करेंगे। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला जा रहा है। आई एम टायर्ड ऑफ डैश, दिखा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि जब भी कोई चीज़ मतलब क्या हो, यानी इंतजार करते हुए, खाते हुए, पीते हुए, तो हम लोग अभी किसका यूज़ करते हैं, यानी वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, यानी फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला जा रहा है। 20 में आई डोंट थिंक राजेश इज डैश टू लिफ्ट दिस बॉक्स, जी यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आई डोंट थिंक राजेश इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी यानी आपको वर्ड चूज करने हैं जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। तो कौन सा यहाँ पे वर्ड होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो लाइवलीहुड होता है, यानी जिसका मीनिंग क्या होता है, आजीविका, तो ये ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 22 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे भी आपको पता करना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, कौन से ऑप्शन में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी साइकोलॉजिकल जो है बिल्कुल क्या है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 23 को देखिए क्या बोला जा रहा है। 23 में फिर राइट आंसर बताइए। डू ही डैश ए ब्लू स्कर्ट टूडे, जी हाँ यहाँ पे कौन सा बेस्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, नहीं क्या हो जाएगा, डू ही इज वियरिंग ए ब्लू स्कर्ट टूडे हो जाएगा। जी हाँ, अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला जाए। 24 में द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज, जी हाँ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बेस्ट ऑप्शन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जिखाने क्या हो जाएगा, द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। आई एम डैश प्रीपेयर्ड, जी हाँ यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन चूज करने कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, फुल्ली, यानी आई एम फुल्ली प्रीपेयर्ड। जी हाँ, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा और उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, यानी एक्सप्लेन में आपको समझा दूंगा। चलिए अब क्वेश्चन में 26 को देखिए क्या बोला जाए। 26 में द टीचर सेज रोज स्मेल स्वीट, जी हाँ यहाँ पे आपको जो इनडायरेक्ट नरेशन है उसको चूज करना है, यानी कौन सा इनडायरेक्ट नरेशन सही होगा। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने क्या हो जाएगा यहाँ पे, द टीचर सेज दैट रोज स्मेल स्वीट, जी हाँ। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 27 को क्या बोला जा रहा है। द सिनोनिम ऑफ एनिमल, जी हाँ यानी जो सिनोनिम मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि समानार्थी शब्द, यानी एक अर्थ वाला शब्द यहाँ पे जो एनिमल का है उसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी ईयरली हो जाएगा। दिखाने क्या होता है, एनिमल मतलब वार्षिक होता है और ईयरली का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोला जा रहा है। यू नीड टू बाय डैश डिक्शनरी, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट आर्टिकल यूज करने हैं, कौन सा आर्टिकल हो जाएगा आप सबको बताइए। ऑप्शन नंबर ए यानी क्या हो जाएगा, यू नीड टू बाय ए डिक्शनरी हो जाएगा। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन 29 को देख लीजिए क्या बोला जाए। 29 में दे वर वॉचिंग मी, यहाँ पे बेस्ट पैसिव वॉइस यूज करने, यानी सेंटेंस का आपको पैसिव वॉइस बताना है कौन सा हो जाएगा। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सी हो जाएगा। दिखा नहीं, आई वॉज बींग वॉच्ड हो जाएगा। दिखा एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल यह है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है, और सब्जेक्ट क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। दिखा यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में आई हो जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है किसकी, पास्ट प्रेजेंट की बात हो रही है। जी हाँ, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है कि आई यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, हमारा वॉज आता है। जी हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये वॉज हो जाएगा। जब भी कंटिन्यूअस की बात होती है वहाँ पे हम लोग किसका यूज़ करते हैं, बींग का यूज़ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बींग हो जाएगा। तो आई वॉज बींग, और ये वॉज हमेशा जो होता है एक्टिव से पैसिव होता है, चाहे वो किसी में भी हो, प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई वॉज बींग वॉज्ड हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 30 में देखिए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। हु रोट एंडीमियन, जी हाँ ये एंडीमियन एक बुक का नाम है, इसको किसने लिखा है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी जॉन कीट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला जा रहा है।
डन स्टडीड लॉ एंड रीड, जी हाँ डन से मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जॉन डन जी हाँ जो कि हमारे राइटर हैं उन्होंने स्टडीड लॉ स्टडी किया था और क्या पढ़ा था उन्होंने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जी हाँ क्या हो जाएगा, थियोलॉजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जितनी ये सारे नोट्स जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ आप लोग अगर पता नहीं है तो आप लोग को नोट हर हाल में कर लेना है ताकि आप लोग रिवाइज कर सके इसको अच्छी तरीके से। हु ट्रेवल्ड फ्री विद नानू काका, जी हाँ नानू काका जो है उनके साथ में कौन फ्री में ट्रेवल्ड किया था, तो आप सबको बताइए कि उन्होंने एक बास्केट लाया था अपने बास्केट में किटन, यानी किटन मतलब यानी क्या होता है बिल्ली का बच्चा को लेके आया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 33 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु रोट हकलबेरी फिन, जी हाँ ये भी पुस्तक का नाम है, इसको किसने लिखा है यहाँ पे राइटर से बताने हैं। 33 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ मार्क ट्वेन उन्होंने ये लिखा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है। डैश वर सेटिस्फाइड विद ट्रू होम रूल, जी हाँ यानी जो ट्रू होम रूल था उससे कौन सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट थे, तो मैंने बताया था क्या बताया था कि जो हमारे पूर्वज यानी जो आवर एंसेस्टर थे यानी जो हमारे पूर्वज थे वो क्या थे काफ़ी संतुष्ट थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला जा रहा है। इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, जी हाँ इंडिया क्या है अभी भी इमूवेबल है मतलब क्या है ये स्थिर है, जी हाँ यानी अटल है और यही इसकी क्या है ग्लोरी है, जी हाँ ग्लोरी मतलब महिमा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ चलिए आप क्वेश्चन 36 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु फाइंड्स मैकावेटी लेजी एंड हाफ अस्लीप, जी हाँ किसने देखा मैकावेटी को आधा सोया और यानी सुस्त, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी टीएस एलियट हो जाएगा। चलिए आप इसे देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोला जाए। 37 में राइट आंसर बताइए, ए वुमन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग, जी हाँ यानी जो औरतें होती हैं उनको बहुत सारी क्या करना पड़ता है यानी कस्टम्स और रिचुअल्स का क्या करना पड़ता है ऑब्जर्व करना पड़ता है कब यानी किसके दौरान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला जाए। 38 में देखिए और कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए, हु वांटेड टू किल द स्नेक, जी हाँ स्नेक यानी सांप को कौन मारना चाहता था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ द पोएट यानी पोएट खुद मारना चाहता था सांप को। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, जी हाँ यानी ये भी एक पुस्तक है ए पैसेज टू इंडिया, इसको किसने लिखा है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ ई एम फॉर्स्टर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 40 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। 40 में फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए, द डैश एडवाइज्ड बेंजी टू कीप हेंस, जी हाँ यानी बेंजी को यानी हेन यानी मुर्गी रखने का जो एडवाइस यानी सलाह दिया था वो किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए क्या है। 41 में फिर आप लोग राइट आंसर बताइए, द सेंटेंस सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मेन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, दी हाँ यानी जो सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, दी हाँ यानी ये जो सेंटेंस है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जी यानी कहाँ से लिया गया है, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जी यानी ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है ये लाइन। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोला जा रहा है। 42 में देखिए फिर राइट आंसर बताइए, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, जी हाँ यानी हमारा एक लेसन का नाम है भारत इज माई होम, जिसके राइटर कौन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी जाकिर हुसैन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 43 को देखिए क्या बोला जा रहा है। डोरोथी एल सियर्स इज ए या इज एन, जी हाँ यानी जो डोरोथी एल सियर्स है वो क्या है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ इसे यानी वो क्या थी एक निबंधकार है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 44 को देख लीजिए, शिखा नाओया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर, जी हाँ यानी जो शिखा नाओया है वो कहाँ के शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं वो आपको बताने हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी जापानीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जापान के वो क्या है शॉर्ट स्टोरी राइटर है को शिखा नाओया। चलिए अब क्वेश्चन 45 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड देयर लैंड टू ए मैन नेम, जी हाँ बेंजी के पेरेंट्स थे उन्होंने अपनी लैंड को रेंट पे दिया था, वो किस नाम के आदमी को दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए यानी जो सैंडर्स नाम का व्यक्ति था उन्हें को दिया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46 क्या बोला जा रहा है। पर्ल अस बक टॉट इन ए डैश यूनिवर्सिटी, जी हाँ जो पर्ल अस बक थे उन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ चाइनीज यूनिवर्सिटी, लेकिन वो जन्म से क्या थे वो एक अमेरिकन थे, लेकिन वो बचपन में यानी उनके पेरेंट्स कहाँ पे बस गए थे चाइना में बस गए थे और वहीं पे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। एंटन चेखोव बिगेन हिज लिटरेरी करियर बाय राइटिंग, जी हाँ जो एंटन चेखोव है उन्होंने अपनी जो लिटरेरी करियर को शुरू किया था क्या लिख के शुरू किया था, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कॉमिक स्केचेस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या है। 48 में
द लाइन ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर इज फ्रॉम, जी हाँ ये जो लाइन है कौन सी, ओ हाउ फीवल इज मैंस पावर, ये कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोसी ये रेनी लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है। लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, जी हाँ यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है ये किसके यानी किसके यानी कविता का संग्रह है किसका। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखानी, जो वर्ल्ड विटमैन है उनकी एक कविता का संग्रह है कौन सा, लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें बहुत सारी कविता क्या है, एक ही बुक में बहुत सारी कविता है जो कि वर्ल्ड विटमैन ने लिखा है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है। विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट इज फ्रॉम, जी हाँ यानी जो ये सेंटेंस है विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट ये कहाँ से लिया गया है, कौन सा चैप्टर से लिया गया हमारा। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नहीं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट उसी से लिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोला जा रहा है। लैमिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाय, जी हाँ ये दो पुस्तक है लैमिया एंड हाइपेरियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी यानी जॉन किट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोला जा रहा है। 52 में मैकाविटी द कैट इज फुल ऑफ, जी हाँ जो मैकाविटी एक बिल्ली का नाम रहता है वो क्या रहता है, फुल ऑफ डिसीट, जी हाँ डिसीट का मतलब क्या होता है वो मैंने फुल ऑफ छल कपट सी क्या रहता है वो बिल्कुल छल कपट रहता है कौन बिल्ली। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोला जा रहा है। स्नेक्स वर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जी हाँ जो स्मोक यानी जो स्नेक्स यानी जो सांप थे वो माई ग्रैंड मदर्स हाउस की यानी कहाँ पे देखा गया था, किन के बीच में देखा गया था। तो यहाँ पे एमंग बुक्स हो गया, यानी बुक्स के किताब के बीच में उसको देखा गया था। चलिए अब क्वेश्चन 54 देख लीजिए। द लाइन हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम, दिखा एक जो लाइन है यहाँ पे कौन सा, हियर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, जी हाँ ये कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताने कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वेरी गुड। तो 54 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एंड एपिटाफ से लिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 क्या बोला जा रहा है। द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, देखा जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यानी बी ऑप्शन नंबर 1476 यानी 1476 ईस्वी में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 56 अनटचेबल एंड कुली आर रिटन बाय, देखा ये दो पुस्तक है अनटचेबल और कुली ये किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, मुल्कराज आनंद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है एम आर आनंद। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 57 क्या बोला जा रहा है। 57 में हैमलेट एंड ओथेलो आर रिटन बाय, जी हाँ ये भी पुस्तक है दो पुस्तक हैमलेट एंड ओथेलो ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने विलियम शेक्सपियर। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जितनी भी पुस्तक का नाम लिया उनके जो राइटर का नाम लिया आपको हर हाल में नोट कर लेना, दिखा क्योंकि आपको इन्हीं राइटर और इन्हीं बुक्स में से आपको कैसा भी एग्जाम में पूछ देगा वो आपको हर हाल में एक दो जरूर पूछता है एग्जाम में। चलिए आप क्वेश्चन 58 को देख लीजिए। द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड, दिखा यानी जो इंग्लिश है अभी 15वीं शताब्दी से लेकर अभी जो यानी फिलहाल चल रही है वो इंग्लिश, उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है। यहाँ पे 58 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 क्या बोला जा रहा है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए वर्ड, यानी जो वर्ड ये ड्रामा आया है ये कहाँ से आता है यानी कहाँ से लिया गया है वर्ड को। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ये क्या है, ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है, ऑप्शन करेक्ट होगा। व्हाट आर यू डैश अबाउट, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म, जी हाँ यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यूज करने, कौन सा टेंस फॉर्म आएगा। जी हाँ तो टेंस फॉर्म का यूज करते समय आपको यहाँ पे टेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। जी हाँ यहाँ पे आर का यूज हुआ है, जी हाँ तो आप सबको बताइए कि जो आर का यूज होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। जी हाँ और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म लगता है वर्ब के साथ में। तो यहाँ पे वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यानी आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ अगर आप इस तरह टेंस को पहचान लेंगे तो आपको जो टेंस फॉर्म यूज करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। जी हाँ तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है। शी विल बी डैश मी टुमोरो, जी हाँ यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म यूज करने, कौन सा टेंस आएगा। जी हाँ यहाँ पे विल के साथ में बी लगाया, जी हाँ यहाँ पे बी लगेगा तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, शी विल बी मीटिंग मी टुमोरो, जी हाँ यानी वो कल मुझसे मिल रही होगी, इसका टेंस का मीनिंग, इस सेंटेंस का मीनिंग ये हुआ। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है। She dressed
सिक्स बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी। जी हाँ, यहाँ पे आपको राइट आंसर यानी कौन सा टेंस फॉर्म होगा वो आपको बताने हैं। यहाँ पे आपको देखने हैं, जी हाँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट में क्या है हमारा या सी का यूज हुआ है। जी हाँ, तो आप सबको बताएंगे जो सी है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जी हाँ, जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है उसके साथ में क्या आता है हमारा, हैज यूज होता है। जी हाँ, जब हैज आता है और उसके साथ में हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट का रिटर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा सी हैज रिटर्न सिक्स बुक ऑन इंडियन मिथोलॉजी। जी हाँ, तो ये आपको पहचानना है कि सब्जेक्ट में यानी हमारा क्या है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। जी हाँ, उसी के हिसाब से यहाँ पे आपको यूज करने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फोर भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करना है, कौन सा आएगा। तो यहाँ पे आपको पहले टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे डिड लगा है। जी हाँ, जब भी डिड लगेगा तो मतलब समझ जाना है कि आपको नहीं पास्ट टेंस की बात हो रही है। जब पास्ट टेंस की बात हो रही है तो डिड कहाँ पे लगता है, पास्ट टेंस में, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है। जी हाँ, और इंडेफिनिट टेंस में हमारा क्या लगता है, वो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे हमारा सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगता है। जी हाँ, जब भी इंडेफिनिट में अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, नॉट लग जाएगा, तो वहाँ पे हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माई ब्रदर डिड नॉट चूज हर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, ये सारे आपको याद रखने हैं कि सिर्फ जो सेकंड फॉर्म यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फाइव भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस चूज करने हैं। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना है कि यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है, नीरज रोट दिस लेटर यस्टरडे। जी हाँ, यहाँ पे रोट यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है, तो आपको पहचानना है, समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जी हाँ, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो पैसिव जो बनाने का तरीका होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। जी हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दिस लेटर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस लेटर। जी हाँ, इस तीन ऑप्शन में यहाँ पे दिस लेटर है सब्जेक्ट है, बाकी ऊपर वाले में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी इन तीनों में से कौन सा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा क्या है, वो रोट यानी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या क्या होता है, वर्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दिस की बात हो रही है, तो दिस के साथ में क्या लगेगा, वाज लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यानी दिस लेटर वाज। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर टू भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज हुआ है और इज हमारा प्रेजेंट पे यूज होता है, लेकिन हम लोग पास्ट की बात करें यानी हमारा ऑप्शन सी और डी में कोई सा भी करेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया दिस लेटर वाज, और जब भी हमारा क्या होता है यानी पैसिव वॉइस में चेंज करती है तो हमारा थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जी हाँ, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, रिटर्न हो जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रोट होता है वो सेकंड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे रोट बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, दिस लेटर वॉज रिटर्न बाई नीरज यस्टरडे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको रूल पता होगा तो आप लोगों को पैसिव वॉइस बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सिक्स भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इज ही रीडिंग ए बुक। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट पैसिव वॉइस बताने की, सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। जी हाँ, इससे पहले आपको यहाँ पे टेंस को पहचानना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे इज का यूज हुआ है और रीडिंग का यूज हुआ है। जी हाँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, और उसका ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे इज है वो इज सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे हमको क्या बनाना है, जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हमारा ए बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज ए बुक। जी हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इज ए बुक कहाँ लिखा हुआ है। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर बी में है और बाकी किसी में भी नहीं है, तो आपको ऐसी पहचान में आ जाना चाहिए कि यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाता है आंसर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर सेवन भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आई हेल्प्ड हिम चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको बेस्ट पैसिव वॉइस चूज करने है, कौन सा होगा। तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है हमारा, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा आई के साथ हेल्प लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, ये आपको पहचान में आ जाने चाहिए, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो हिम जो हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, ही हो जाएगा। उसके यहाँ पे हमारा क्या है, पास्ट टेंस है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगा, तो ही वाज लग जाएगा। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ही वाज हेल्प्ड हो जाएगा। जी हाँ, और यहाँ पे हमारा जो आई का है वो क्या हो जाएगा, मी, तो क्या हो जाएगा, ही वाज हेल्प्ड बाई मी हो जाएगा। जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, तो सेवन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। जी हाँ, क्लास थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ में क्लियर करते जाऊँगा यानी सारे क्वेश्चन को। चलिए आप क्वेश्चन नंबर एट को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है,
वी डैश टू बाई सम फर्नीचर, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब दिखा। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको एक्टिव पैसिव, उसके बाद जो आपका आर्टिकल है, उसके जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ये सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं ग्रामर में दिखा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा। तो यहाँ पे आपको यूज करने है कि कौन सा यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। तो यहाँ पे एट का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आउट टू बाई सम फर्नीचर दिखा। तो यहाँ पे हमें बता दो कि जो आउट जो हमारे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसका यूज कहाँ यानी कब किया जाता है, जब हम लोग क्या करते हैं यानी किसी चीज को खरीदने के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी हम इच्छा करते हैं कि हमको ये चीज़ खरीदना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउट का यूज़ करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे फर्नीचर क्या है, कुछ सामान की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ कर देंगे, यानी वी आउट टू बाय सम फर्नीचर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वी डैश क्वालिफाई दिस ईयर, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखने यहाँ पे मेका यूज होगा। जी हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि जो मेका यूज होता है वो कहाँ पे होता है, जब भी हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं या कभी प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग मेका यूज करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी वी मे क्वालिफाई दिस ईयर, यानी हम लोग इस साल क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे इस साल। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन 10 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, He does come tomorrow. Choose the correct auxiliary verb. दिखा, यहाँ पे भी आपको auxiliary verb choose करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखाने He may come tomorrow. दिखा, जब भी क्या होती है किसी की यानी कोई भी चीज़ की possibility होती है, संभावना होती है, तो वहाँ पे भी हम लोग मेगा यूज़ करते हैं, यानी ही मे कम टूमोरो, यानी वह कल आएगा, यानी कन्फर्म नहीं है लेकिन क्या है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वो आ सकता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। दिखा, क्वेश्चन नंबर 11 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मैन इज मॉर्टल, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, यानी जो हमारा ये मैन इज मॉर्टल सेंटेंस है, इसको आपको नेगेटिव सेंटेंस में चूज करने हैं, चेंज करने हैं। तो यहाँ पे 11 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिखा, नहीं मैन इज नॉट इमॉर्टल। दिखा, यानी दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव में है, और ये क्या है, हमारा अफर्मेटिव में है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शी इज वाइज, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या हुआ, यानी वह बुद्धिमान है। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको उसको बनाना है कि इसका नेगेटिव क्या होगा, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, शी इज नॉट फूलिश, यानी वो बेवकूफ नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, बेवकूफ नहीं है, तो वो क्या है, यानी शी इज वाइज, वो ईमान बुद्धिमान है। तो यानी सेंटेंस का मीनिंग वही रहता है, लेकिन जो हमारा सेंटेंस होता है वो नेगेटिव हो जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जी हाँ, तो क्वेश्चन 13 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, I met an old man. He was very poor. Choose the suitable combination. जी हाँ, यानी यहाँ पे आपको दो सेंटेंस दिया हुआ है, इसको आपको क्या करने हैं, यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपको, सुटेबल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे 13 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिखा, नहीं आई मेट एन ओल्ड मैन हु वॉज वेरी पुअर। जी हाँ, नहीं मैंने एक ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी से मिला, हु वॉज वेरी पुअर, जो कि क्या था, गरीब था। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हु है, ये दोनों सेंटेंस को मिलाने का काम किया। जी हाँ, नहीं कनेक्टर का काम किया। जी हाँ, आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्या बोला जा रहा है, कॉल मी डैश एन आर। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको सुटेबल जो प्रे पोजीशन है उसका यूज करने। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग प्रे पोजीशन की ओर आ चुके हैं, कौन सा प्रे पोजीशन का यूज होगा, यहाँ पे क्या है, कॉल मी डैश एन आर। जी हाँ, तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी, कॉल मी इन एन आर। जी हाँ, एक घंटे में मुझे कॉल कीजिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जी हाँ, क्वेश्चन 15 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, His mother died dash cholera. Choose the suitable preposition. जी हाँ, जब भी कोई भी क्या होता है डिजीज, यानी कोई भी बीमारी होती है जिसके कारण से कोई भी अगर इंसान मरता है, तो वहाँ पे हम लोग उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी हिज मदर डाइड फ्रॉम कॉलरा या फ्रॉम टीबी, यानी कोई ऐसी भी बीमारी होगी तो वहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर भी यानी फ्रॉम का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश मी ही वॉज सिटिंग, चूज द सुटेबल प्रेपोजिशन। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको प्रेपोजिशन का यूज करने कौन सा आएगा, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दिखाने बिसाइड मी, यानी मेरे बगल में, तो यहाँ पे हमारा बिसाइड से नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मी यानी मी क्या है, फर्स्ट पर्सन। जी हाँ, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में यहाँ पे हमारा क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, यानी उसके साथ में एस नहीं लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। जी हाँ, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो 17 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। देयर आर फ्यूअर स्टूडेंट्स इन द क्लास टूडे जी हाँ, यानी आज क्लास में कुछ ही स्टूडेंट है, तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है करेक्ट है, बाकी सारे क्या है इनकरेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, डॉक्टर MM झा इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी हाँ। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल की ओर आ चुके हैं, तो अभी आपको आर्टिकल बताने हैं कि कौन सा आर्टिकल आएगा। तो आर्टिकल का यूज करते समय पहले आपको यहाँ पे उस वर्ड को देखने हैं जी हाँ। यहाँ पे आया है वर्ड यूनिवर्सिटी जी हाँ, उसके पहले हम लोग को आर्टिकल यूज करना है। तो यूनिवर्सिटी में हमको क्या देखना है, साउंड को देखना है जी हाँ, क्योंकि हमको लेटर को नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग अगर यू को देखते हैं तो यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारा यू क्या है, वाउल है। तो वाउल के पहले क्या लगता है, एन लगता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एन नहीं लगेगा, वो क्या लगेगा, ए लगेगा जी हाँ। ए का यूज़ क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जब भी बोलते हैं यूनिवर्सिटी तो यहाँ पे साउंड हमारा किसका आ रहा है, यो का साउंड आ रहा है जी हाँ। और यो हमारा कौन सा साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले कभी भी हम लोग एन का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी डॉक्टर MM झा इज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जी हाँ। यहाँ पे आपको लेटर को नहीं देखना है, आपको यानी साउंड को देखना है कि हमारे मुँह से किस यानी कौन सा साउंड निकल रहा है, कॉन्सोनेंट निकल रहा है या वॉल साउंड निकल रहा है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, जॉन रीड्स डैश गीता एवरी डे जी हाँ। यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने, कौन सा आर्टिकल आएगा जी हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो गीता है वो क्या है, ये होली बुक है जी, यानी पवित्र किताब है। जितनी भी पवित्र किताब है, जितनी भी होली बुक्स हैं, उसके पहले किसका यूज होता है, वो द का यूज होता है जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जॉन रीड्स द गीता एवरी डे जी हाँ। चाहे वहाँ पे बाइबिल होता है या कुरान होता या कोई सा भी होली बुक होता है, उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जी हाँ। तो 20 पे स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, शी इज डैश आर लेट चूज द बेस्ट आर्टिकल जी हाँ। यहाँ पे कौन सा बेस्ट आर्टिकल का यूज होगा, यहाँ पे आपको देखने दिखा, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको लेटर को नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे किसका यूज हुआ है, एच का यूज हुआ है। तो आप सबको बताया कि जो एच है वो क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट लेटर के आगे हम लोग किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं, लेकिन आपको लेटर पे नहीं जाना, आपको साउंड पे जाना है, क्योंकि हम लोग जब भी इसका हम लोग क्या करते हैं, यानी बोलते हैं, तो हमारा साउंड किसका आता है, औ का साउंड आता है जी हाँ। शी इज डैश आर लेट, यहाँ पे औ का साउंड आ रहा है, और हमारा क्या है, और हमारा क्या है, वाउल साउंड है। उसके पहले हम लोग किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी इज एन आर लेट हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जी हाँ। तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जी हाँ, यानी कौन से यहाँ पे वर्ड है जिसका स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है वो बताने हैं। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने, कन्फेस, जिसका यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। तो मैं आपको बता दूं कि जो कन्फेस का मीनिंग क्या होता है, यानी अपराध कबूल करना, यानी जुर्म को कबूल करना, उसको क्या बोलते हैं, कन्फेस। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपको थोड़ा क्लास लेंदी लगेगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके भी सारे क्वेश्चन का आपको बताऊंगा, यानी सॉल्व कराऊंगा आपको। चलिए क्वेश्चन 22 को भी देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जी हाँ। यहाँ पे भी आपको यानी वर्ड का स्पेलिंग बताना है, कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे 22 में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जो ऑशियन होता है, यानी समुद्र का जो होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 जी हाँ। 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जी हाँ। यहाँ पे भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा है जी हाँ, क्योंकि आपको एग्जाम में ये जितने भी मैं आपको जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ, यानी स्पेलिंग करेक्शन का, उसके बाद जो आपका सेंटेंस करेक्शन है, ये सारा आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ट्यूशन, ट्यूशन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जी हाँ। यहाँ पे आपको बताने कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है, तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बिलीफ, बिलीफ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 तो 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी डेज लीव हैड बीन टेकन बाई मालगांवकर जी हाँ, मालगांवकर मनी यानी मनोहर मालगांवकर जी हाँ, यानी जो मनोहर मालगांवकर है उनके द्वारा कितने दिन का छुट्टी लिया गया था जी हाँ, ये आपको बताना है, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो 25 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टू डेज यानी दो दिन की छुट्टी उन्होंने दो दिन की छुट्टी वो लेकर आए थे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोला जाए, 26 में ध्यान से देखिए और आप लोग आंसर देने की भी कोशिश कीजिए साथ साथ में, Who said my children will not be judged by the color of their skin but by the content of their character जी हाँ, यानी किसने कहा था कि मेरे बच्चे को उसके स्किन के कलर के जी हाँ, यानी उसके स्किन के कलर से उसको जज नहीं किया जाएगा, लेकिन उसको यानी उसके करेक्टर से जज किया जाएगा जी हाँ, बात किसने कही थी वो आपको बताने। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, MLKJR जी हाँ। तो आपको घबराना नहीं है कि MLKJR क्या है, मैं बता दूं कि जो MLKJR इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जी हाँ, इसका शॉर्ट फॉर्म यानी MLK
लिखा जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 जी हां। तो 27 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन जी हां, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हां, डॉक्टर राधा कृष्णन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 जी हां, 28 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हु विजिट्स मदर हाउस एज ए रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी जी हाँ, यानी ये सेंटेंस से बताया जा रहा है कि जो प्रेगनेंसी जो होता है उसके दौरान यानी कौन अपनी माँ का घर जाता है जी हाँ, कौन जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, सिलेक्टिव वुमेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 क्या बोला जा रहा है, यू आर एन इडियट हु सेड दिस टू साहिबी जी हाँ, यानी तुम एक बेवकूफ हो, ये किसने कहा था साहिबी को लिखा, तो ये किसने कहा था, तो उनके टीचर ने कहा था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा नहीं, हिज टीचर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30 जी हाँ, 30 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स जी हाँ, यानी बांग्लादेश में कौन एक क्या है फेरी टेल्स, यानी परियों की कहानी है, कौन एक प्रकार की परियों की कहानी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखा नहीं, रूप थोका, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 जी हाँ, तो क्वेश्चन 31 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज जी हाँ, यानी जो हमारा लेसन है हाउ फ्री इज द प्रेस वो क्या है, यानी एक ऐसे है या शॉर्ट स्टोरी है, ड्रामा है या फिक्शन है जी हाँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एन ऐसे यानी क्या है, एक निबंध है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32 जी हाँ, तो स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द पोर्टर सॉल्ट द गॉड ऑफ साहिबी फोर जी हाँ, यानी जो पोर्टर थे उन्होंने जो साहिबी के गॉड को बेचा था, यानी कितने येन के बदले में बेचा था, तो भाई 32 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 50 येन के यानी 50 येन में बेचा था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोला जाए, 33 में पर्ल अशफाक ब्लेम्स द डैश फॉर द इल्स एंड मिसफॉर्चून्स ऑफ इंडिया जी हाँ, यानी जो पर्ल अशफाक है वो ब्लेम करते हैं किसके लिए, यानी जो भी इंडिया में क्या है मिसफॉर्चून्स यानी जो बदकिस्मतियां हैं और जो इल्स यानी बीमारी है उसके लिए किसको ब्लेम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए ब्रिटिशर्स को यानी जो अंग्रेज है उनको ये क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34 क्या बोला जा रहा है, बेंजी बाउट द लैंड फ्रॉम दिखा, यानी बेंजी ने जो बाउट इन लैंड बाउट किया था, जो जमीन खरीदी थी वो किससे खरीदी थी वो बताने हैं। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सैंडर्स हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 35 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड इज फ्रॉम दिखा, यानी मैंने जो अभी सेंटेंस आपको बताया इस सेंटेंस को कहां से लिया गया है, कौन से लेसन से वो आपको बताने हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने द सोल्जर। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट डैश लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव जी हाँ, यहाँ पे यानी कितने लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आपने सुना होगा जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का होता है जी हाँ, कितने लाइन्स का होता है, 14, यानी जो 14 लाइन की जो यानी पोएम होता है उसको सोनेट बोलते हैं, और जो 14 लाइन में यानी क्या होता है, एक 8 लाइन होता है उसके बाद 6 लाइन होता है, जो फर्स्ट 8 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, ऑक्टेव बोला जाता है जी हाँ, और जो लास्ट का जो 6 लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, सेस्टेट जी हाँ। ये आपको दोनों को याद रखनी है, जो फर्स्ट 8 लाइन उसको बोलेंगे हम लोग ऑक्टेव, और जो लास्ट के जो 6 लाइन है उसको हम लोग बोलेंगे सेस्टेट। ये आपको दोनों पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जो यानी सोनेट होता है वो कितनी लाइन की होती है, वो 14 लाइन की होती है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 जी हाँ, 37 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है, मैकाविटी इज एंड जी हाँ, जो मैकाविटी है क्या है, एक मिस्ट्री कैट का नाम है, तो वो है, वो क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इज एन आउट लॉ हो जाएगा जी हाँ। आउट लॉ किसको बोलते हैं, यानी जो किसी भी लॉ को नहीं मानते, यानी जो किसी भी कानून को नहीं मानता है वो अपने मनमानी करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आउट लॉ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38 क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी वार सनेट्स डिड ब्रूक राइट जी हाँ, यानी जो ब्रूक है, रूपर्ट ब्रूक है, उन्होंने कितने वार सनेट, कितने यानी जो युद्ध के ऊपर सनेट लिखे हैं वो आपको बताने हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 5 हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39 क्या बोला जा रहा है, आर के नारायण हैज रिटन जी हाँ, यानी जो आर के नारायण है वो क्या है, एक राइटर है, उन्होंने क्या चीज लिखा है वो आपको बताने हैं। तो 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या हो जाएगा, द गाइड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40 क्या बोला जा रहा है, 40 में ध्यान से देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल इज फ्रॉम दिखा, यानी मैंने जो आप यहाँ पे सेंटेंस आपको बताया इस सेंटेंस को कहाँ से लिया गया है वो बताने हैं। तो 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 41 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है,
हु वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट ए डिग्री। जी हाँ, यानी किसको बिना डिग्री लिए हुए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर किया गया था। जी हाँ, तो वो कौन थे? तो यहाँ पे 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो जॉन डॉन थे उनको बिना डिग्री के ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42 क्या बोला जाए। 42 में आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड इज फ्रॉम। जी हाँ, ये सेंटेंस यहाँ पे बताने हैं कि कहाँ से लिया गया है। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिखानी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। जी हाँ, तो इस तरह के एग्जाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो जितने भी मैंने आपको बताया सारे को आपको याद कर लेना है, जिखा एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। चलिए आप क्वेश्चन 43 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज फ्रॉम। दिखा, तो ये जो लाइन है ये कहाँ से लिया गया है वो बताने हैं आपको। तो 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन 44 को देख लीजिए क्या बोला जा रहा है। कीट्स इज ए डैश पोएट। जी हाँ, यानी जो जॉन कीट है वो कैसे पोएट है वो आपको बताने हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, रोमांटिक पोएट। जी हाँ, यानी जो जॉन कीट्स थे वो क्या थे, एक रोमांटिक पोएट थे। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 क्या बोला जा रहा है। डैश वॉज ए पोएट ऑफ नेचर। जी हाँ, तो यानी कौन नेचर के क्या थे, पोएट थे। जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 45 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जॉन किट्स हो जाएगा। जी हाँ, यानी जो क्या करते हैं नेचर से क्या करते हैं, काफ़ी लव करते हैं, उन्हीं को यानी क्या बोला था, रोमांटिक पोएट के अंतर्गत रखा जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जॉन किट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखने के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है। हु हैज़ रिटन ए नंबर ऑफ पोएम्स फॉर चिल्ड्रेन। जी हाँ, यानी बच्चों के लिए किसने यानी कई कविताएं लिखी वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने वाल्टर डेला मेयर हो जाएगा, उन्होंने बच्चों के लिए कई कविताएं लिखी हैं। चलिए अब देख लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर रोड। जी हाँ, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है वो आपको बताने हैं। तो 47 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए यानी गीतांजलि। जी हाँ, यानी गीतांजलि जो लिखा है वो किसने लिखा है, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 क्या बोला जा रहा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। जी हाँ, यानी यहाँ पे लास्ट के जो मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूँ, ये जो हमारा सेकंड बुक है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, उसी से लिया गया है। जी हाँ, इसके क्लास मैंने स्टोरी ऑफ बुक का जो जितना भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया। जी हाँ, तो अभी 48 का ऑप्शन में कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अरुंधति रोए हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49। जी हाँ, तो 49 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। मैक फ्लेक्नो इज रिटन बाय। जी हाँ, यानी मैक फ्लेक्नो एक बुक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जॉन ड्राइडन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला जा रहा है। हु वर नोन एज द यूनिवर्सिटी वीट्स। जी हाँ, यानी कौन यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से जाने जाते थे वो आपको बताने हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एलिजाबेथन स्कॉलर। जी हाँ, यानी जो एलिजाबेथन पीरियड के जो भी यानी जितने भी स्कॉलर थे उनको यूनिवर्सिटी वीट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो इसी क्वेश्चन के साथ प्ले क्रिकेट चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, यहाँ पे आपको बेस्ट पैसिव वॉइस बताने हैं, कौन सा पैसिव वॉइस करेक्ट होगा। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने से पहले यहाँ पे आपको टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। जी हाँ, सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट वो सब्जेक्ट बन जाएगा। जी हाँ, तो सब्जेक्ट जो हमारा क्रिकेट है वो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में है। जी हाँ, तो यही ऑप्शन दोनों में से कोई सा करेक्ट होगा, तो बी और सी किसी हाल में भी नहीं होगा। जी हाँ, इस दोनों में से हमको देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जी हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा इज लगेगा। उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। जी हाँ, तो क्रिकेट इज प्लेड। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यानी जो आई का हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भी नहीं हुआ। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्ले के साथ में यहाँ पे आई एन जी फॉर्म लगा है और पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म लगता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। Why do you tell a lie? Choose the best passive voice. जी हाँ, यहाँ पे भी आपको passive voice में चेंज करने हैं। सबसे पहले हमको sentence को देखना है कि कौन से tense की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा जो sentence है ये present indefinite tense। जी हाँ, और present indefinite tense का ये क्या है, interrogative है, interrogative sentence है। तो यहाँ पे why का हमारा why रह जाएगा। उसके बाद हमारा क्या लगेगा, helping verb लगेगा। जी हाँ, तो helping verb y के साथ में क्या लगेगा, is लगेगा। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा object है वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई इज ए लाई। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या है, टेल। टेल यहाँ पे वर्ब का वर्ग का थर्ड फॉर्म लगेगा, तो टेल का टॉल्ड हो जाएगा। तो वाई इज ए लाई टॉल्ड। उसके बाद यहाँ पे यू है, तो क्या हो जाएगा हमारा, बाई यू। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट हो जाएगा, जिखनी वाई इज ए लाइट टोल्ड बाई यू हो जाएगा। चलिए आप लोग इसी तरह कॉन्सेप्ट के साथ में अगर आंसर देंगे तो बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होगा, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए क्या बोला जा रहा है। ही हैड रिटन ए लेटर, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पे भी आपको पैसिव वॉइस पे चेंज करने, यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। जी हाँ, जब भी क्या हो परफेक्ट टेंस में हो तो हमारा हमको पता होना चाहिए कि परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, यानी जो हमारा परफेक्ट टेंस में यहाँ पे हेड है उसके साथ में क्या लगेगा, बिल लगेगा। जी हाँ, परफेक्ट टेंस में चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, जी हाँ सबके साथ में क्या लगेगा, बिल लगेगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, यानी जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा ए लेटर हो जाएगा। जी हाँ, उसके बाद ए लेटर, उसके बाद यहाँ पे हमारा लगेगा हैड, उसके साथ में लगेगा बिल। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। जी हाँ, यानी ए लेटर हैड बिल, उसके बाद रिटर्न बाई हर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आई नो यू, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। जी हाँ, इसको भी आपको पैसिव वॉइस में चेंज करने हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमारा यू ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट बन जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा यू के साथ में आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यू आर, उसके बाद तो नो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा नॉन, यू आर नॉन, उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या लग जाएगा टू। जी हाँ, तो यू आर नॉन टू मीन ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। जी हाँ, और आप लोग इसी तरह सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताते चलेगा। तो क्वेश्चन 5 पे स्क्रीन पे आ चुके, क्या बोला जा रहा है, हु डज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, चूज दैट करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करने हैं, यहाँ पे कौन सा टेंस फॉर्म आएगा। जी हाँ, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी हाँ यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात हो रही है, यानी ये पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में किसी ने इसका लॉ दिया था। जी हाँ, जब भी पास्ट की बात होती है तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई डैश द स्टेशन। जी हाँ, यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस फॉर्म यूज करने कौन सा आएगा, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, आई के साथ में रीज लग जाएगा। जी हाँ, वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाएगा, यानी द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीज द स्टेशन। जी हाँ, यानी मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन जा चुका था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको टेंस फॉर्म का यूज करना है, तो टेंस फॉर्म का यूज करते समय आपको यहाँ पे पहले टेंस को देखना है कि कौन से टेंस की बात हो रही है। जी हाँ, यानी सिंस मॉर्निंग, यानी यहाँ पे हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। जब भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है उसके साथ में क्या लगता है, हमारा बिल लगता है, उसके बाद हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसकी बात हुआ। क्या बोला जा रहा है, बर्ड्स कैन फ्लाई बट काउज डैश, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, अब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब की ओर आ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो बताने हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बर्ड्स कैन फ्लाई यानी चिड़िया ने जो बर्ड्स है वो फ्लाई उड़ सकता है, बट काउज कांट यानी लेकिन गाय नहीं कर सकती, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। जी हाँ, तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इट डैश रेन टू नाइट, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने हैं। यहाँ पे ये क्या है, प्रिडिक्शन है। जी हाँ, ये प्रिडिक्ट किया हुआ है इस सेंटेंस में, तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, इट विल रेन टू नाइट। जी हाँ, जब भी कोई प्रिडिक्शन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, विल का, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। जी हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, यू डैश टू डू योर ड्यूटी, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको ऑक्सिलरी वर्ब चूज करने कौन सा आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यू आउट टू डू योर ड्यूटी। जी हाँ, मैंने यहाँ पे पिछले क्लास में आउट का यूज बता दिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। जी हाँ, तो क्वेश्चन 11 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, शी डैश डू दिस वर्क, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पे आपको ऑक्सिलरी वर्ब बताने कौन सा आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, शी मस्ट डू दिस वर्क। जी हाँ, मस्ट का यूज करते हैं, यानी जब किसी काम को यानी हर हाल में करना होता है तो वहाँ पे हम लोग मस्ट का यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश यू स्टैंड ऑन योर हेड, चूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब। जी हाँ, यहाँ पे बता रहे कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या जाएगा, कैन का यूज होगा। जी हाँ, तो कैन का यूज कब होता है, तो आप सबको पता है कि जब भी किसी चीज की कैपेसिटी को देखते, क्षमता को देखा जाता है, तो वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करते हैं। जी हाँ, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैन यू स्टैंड ऑन योर हेड, यानी कि आप सर अपने सर पर खड़े हो सकते हैं, तो यहाँ पे कैपेसिटी देख रहे हैं, क्षमता देख रहे हैं, वहाँ पे हम लोग कैन का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। जी हाँ, तो क्वेश्चन 30 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है, ही सेड समथिंग आई डिड नॉट हियर इट,
चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन, जी हाँ पे आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन बताने हैं सेंटेंस का कौन सा करेक्ट है। तो 13 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई डिड नॉट हियर व्हाट ही सेड, यानी मैंने नहीं सुना उसने जो कुछ भी कहा जी हाँ। तो बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। बाकी जो यहाँ पे ए बी और डी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट यानी रॉन्ग है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 14 इसकी आ चुका, बोला जा रहा है रन फास्ट यू विल बी लेट, चूज द सुटेबल कॉम्बिनेशन जी हाँ। यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताने कौन सा करेक्ट है। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट जी हाँ, तेज दौड़ो वरना तुम लेट हो जाओगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 जी हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर ही विल स्टडी दियर जी हाँ। यहाँ पे भी आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताने कौन सा करेक्ट होगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। सुमित इज गोइंग टू बैंगलोर टू स्टडी जी हाँ, सुमित बैंगलोर जा रहा है टू स्टडी यानी पढ़ाई करने के लिए। बाकी यह जो ऑप्शन ए बी और जो सी है इसमें जो सारा क्या है ग्रामेटिकली मिस्टेक है जी हाँ। तो ये आपको सारे को देखना है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 16 इसकी भी आ चुका, क्या बोला जा रहा है, ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस जी हाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की ओर आ चुके हैं। तो यहाँ पे इस सेंटेंस का आपको नेगेटिव बनाना है तो कौन सा करेक्ट होगा। इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ कि ही एब्सटेंस फ्रॉम वाइन यानी वह शराब से परहेज करता है जी हाँ। एब्सटेंस मतलब क्या होता है, परहेज होता है जी हाँ, वह शराब से परहेज करता है। तो इस सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। ही डज नॉट टेक वाइन यानी वह शराब नहीं लेता है जी हाँ। इसका मतलब क्या हो कि वह परहेज करता है, तो उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या कहेंगे हम लोग, कि वह शराब नहीं लेता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जी हाँ। तो क्वेश्चन 17 भी स्क्रीन पे आ चुका, बोला जा रहा है आई सॉ द रेड फोर्ट, चूज द सुटेबल नेगेटिव सेंटेंस जी हाँ। इस सेंटेंस को भी आपको नेगेटिव बताने हैं। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई डिड नॉट फेल टू सी द रेड फोर्ट जी हाँ। जब भी किसी चीज़ को देखने की बात होती है तो वहाँ पे हमारा जो यूज होता है वो क्या होता है, यानी फेल टू सी जी हाँ। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ। क्वेश्चन 18 इसकी भी आ चुका, क्या बोला जा रहा है, कोमल वॉज लुकिंग डैश द न्यू ड्रेस, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन जी हाँ। तो कौन सा प्रीपोजिशन का यूज होगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। कोमल वॉज लुकिंग एट, यहाँ पे एट का यूज होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 जी हाँ। तो क्वेश्चन 19 स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, माई हाउस इज डैश द रिवर, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन जी हाँ। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने कौन सा आएगा, तो बिल्कुल जब भी क्या हो यानी नदी के इस पार हो या रोड के उस पार हो तो हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं अक्रॉस का जी हाँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जी हाँ। 20 इसकी भी आ चुका, बोला जा रहा है आई लिव डैश लंडन, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन जी हाँ। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन का यूज करने कौन सा होगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई लिव इन लंडन जी हाँ। तो हम लोग इनका यूज कहाँ पे करते हैं, यानी जब हम लोग कहीं से बड़े से जगह में रहते हैं वहाँ पे हम लोग का क्या यूज करते हैं, इनका यूज करते हैं। और एट किसका कब करते हैं, यानी छोटे से जगह के लिए। अगर लंदन में हम लोग किसी शहर में रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग एट का यूज करते हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जी हाँ। 21 में क्या बोला जा रहा है, ही विल कम डैश 7 o'clock, चूज द सुटेबल प्रीपोजिशन जी हाँ। यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। ही विल कम बाय 7 o'clock, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस जी हाँ। यहाँ पे हम लोग आप सेंटेंस करेक्शन की ओर आ चुके हैं, कौन सा सेंटेंस यहाँ पे करेक्ट है। तो 22 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। द क्लॉक हैज स्ट्रक 7 जी हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बाकी यहाँ पे बी सी और डी बिल्कुल इनकरेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस जी हाँ। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने कौन सा है, तो 23 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई हैव ए कैट एंड द कैट इज ब्लैक, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस जी हाँ। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने हैं, तो 24 में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। आई हैव होमवर्क टू डू जी हाँ। यहाँ पे एक बहुत सारे स्टूडेंट ए का यूज करते हैं, तो ए का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो होमवर्क है वो क्या है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है जी हाँ, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे कभी भी हम लोग ए का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25 क्या बोला जा रहा है, चूज द करेक्ट सेंटेंस जी हाँ। यहाँ पे भी आपको करेक्ट सेंटेंस को चूज करने, तो क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। शी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 26 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल जी हाँ। यहाँ पे आपको बेस्ट आर्टिकल यूज करने, तो कौन सा आर्टिकल आएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। कॉपर इज ए क्या है, यूजफुल मेटल, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 जी हाँ। क्या बोला जा रहा है, शी इज डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, चूज द बेस्ट आर्टिकल जी हाँ। कौन सा आर्टिकल आएगा, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी हाँ। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल जी हाँ। यहाँ पे हम लोग
एक किसी पार्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 क्या बोला जा रहा है। माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट माउंटेन, चूज द बेस्ट आर्टिकल, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। तो मैं बता दूं कि जितने भी क्या है नहीं हिल्स है, जितने भी माउंटेन्स हैं उसके आगे में हम लोग किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिख रही माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, यहाँ 29 में क्या बोला जा रहा है। आई हैव डैश वन रुपी नोट, चूज द बेस्ट आर्टिकल, यहाँ कौन सा आर्टिकल आएगा। यहाँ पे क्या है वन, जी हाँ, तो वन जब बोल रहे हैं तो हम लोग का साउंड जो आ रहा है वो का साउंड आ रहा है और वो कॉन्सनेंट साउंड है, तो कॉन्सनेंट साउंड के आगे में हमारा क्या आता है ए का यूज होता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने आई हैव ए वन रुपी नोट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30, जी हाँ 30 में क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे आप हम लोग आप स्पेलिंग करेक्शन की आ चुके हैं, तो कौन सा स्पेलिंग यहाँ पे करेक्ट है वो आपको बताने हैं। तो 30 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो हेरिटेज है वो ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल करेक्ट है और जिसका मीनिंग क्या होता है विरासत। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31 क्या बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे भी बताना है कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो 31 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने रिमेम्बरेंस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में जो स्पेलिंग है बिल्कुल करेक्ट है, जी हाँ, और जिसका मीनिंग क्या होता है यादगार। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, जी हाँ स्क्रीन पे आ चुका बोला जा रहा है। चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, जी हाँ यहाँ पे बताइए कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, देखने हारमोनी, तो ऑप्शन नंबर बी में जो करेक्ट है वो हो जाएगा, जी हाँ, जिसका मीनिंग क्या होता है समन्वय। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, जी हाँ स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन बोला जा रहा है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जी हाँ यहाँ पे बताइए कौन सा वर्ड का स्पेलिंग करेक्ट है। तो आप सबको बताइए कि जो मुस्टाज, जी हाँ मुस्टाज मतलब क्या होता है मूछ, तो यहाँ पे 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, जी हाँ क्या बोला जा रहा है। डैश वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, जी हाँ हम लोगों ने ग्रामर पोर्शन को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग बुक पोर्शन की वो आ चुके हैं। यहाँ पे आपको बताने हैं कि कौन एक पॉलिटिशियन थे, याद है क्या थे वो, स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे, जी हाँ कौन थे। तो यहाँ पे 34 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने महात्मा गांधी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, जी हाँ तो अब हम लोग बुक पोर्शन की ओर आ चुके हैं, तो आप लोग स्क्रीन पर आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, जी हाँ। तो क्वेश्चन 35 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, जी हाँ यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था वो आपको बताने हैं। तो भाई 35 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने 1967 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है। Who has taken the oath of loyalty to the Constitution of India? जी हाँ यानी किसने भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा के लिए शपथ लिया था, ओथ लिया था वो आपको बताने हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिखानी डॉक्टर जाकिर हुसैन, जी हाँ यानी जब उन्होंने क्या हुआ यानी राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने शपथ लिया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37, जी हाँ क्या बोला जा रहा है। द नैरेटर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ वाज ए स्लैश एंड डैश ऑन प्रोबेशन, जी हाँ तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिखानी अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन हो जाएगा, जी हाँ यानी जो ए पिंच ऑफ स्नफ है जो राइटर है वो क्या है अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, या 38 पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स डैश डिस्क्रिमिनेशन, जी हाँ यानी जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो कौन सी डिस्क्रिमिनेशन है, कौन सी भेदभाव को वो नापसंद करते थे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हानी वो नस्ली भेदभाव को यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करते थे, वो नापसंद करते थे, डिसलाइक करते थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39, जी हाँ और आप लोग 39 का राइट आंसर होता है कौन सा करेक्ट है। हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, जी हाँ यानी किसने लिटरेचर इन साहित्य में 1950 ईस्वी में नोबेल प्राइज लिया था वो आपको बताने हैं। जब 39 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखने बर्ट्रेंड रसेल। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, जी हाँ 40 स्क्रीन पर आ चुका बोला जा रहा है। द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गॉड टू ए वेल्दी कलेक्टर फॉर डैश ये, जी हाँ यानी जो क्यूरियो डीलर थे उन्होंने गॉड को एक वेल्दी कलेक्टर के पास बेचा था, कितने येन में बेचा था वो आपको बताने हैं। तो फिर 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखने 600 यानी 600 येन में बेचा था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 क्या बोला जा रहा है। साइबी वॉज ए डैश जापानीज बॉय, जी हाँ यानी साइबी जो थे वो कितने साल के जापानीज लड़का थे वो आपको बताने हैं। तो फिर 41 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 12 ईयर्स यानी 12 साल के क्या थे वो जापानी लड़का थे, जी हाँ। देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42, जी हाँ 42 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए।
जर्मेन ग्रियर इज एन डैश राइटर जी हाँ, यानी जो जर्मेन ग्रियर है वो कैसे राइटर है वो आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ऑस्ट्रेलियन राइटर हो जाएगा जी हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया के राइटर थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43 जी हाँ, 43 पे स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी जी हाँ, यानी जो सेक्स एंड डेस्टिनी द ह्यूमन पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी है उससे किसको लिया गया, किसको एक्सट्रैक्ट किया गया, निकाला गया वो आपको बताने हैं। तो फिर 43 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, ए चाइल्ड इज बॉर्न जी हाँ, यानी जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है ये क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है जो कि सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से उसको लिया गया है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44 जी हाँ, 44 स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, प्रोप्रिएटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़ जी हाँ, प्रोप्रिएटर मतलब क्या होता है, यानी मालिक, जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है उसका क्या होता है जी हाँ, तो उसका क्या होता है, वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है जी हाँ, जो उन्होंने न्यूज़पेपर खोला है उसका क्या होता है, अपने फायदे के लिए यानी अपने स्वार्थ के लिए खोला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45 जी हाँ, 45 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, बेंजी पेरेंट्स आर नोन एज द जी हाँ, यानी जो बेंजी के पेरेंट्स हैं वो किस, यानी वो किस नाम से जाने जाते हैं वो आपको बताने हैं। तो ये 45 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, जॉनसन्स हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 जी हाँ, 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द लाइफ स्पान इन इंडिया वाज ओनली जी हाँ, यानी जो लाइफ स्पान यानी जो जीने का काल था, जीवन काल था इंडिया के लोगों का वो कितना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 27 ईयर्स का यानी 27 साल का था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 क्या बोला जा रहा है, डैश इज द डॉटर ऑफ चुबोकोप जी हाँ, यानी कौन डॉटर है चुबोकोप का वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, नतालिया। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 जी हाँ, 48 में क्या बोला जा रहा है, एंटोन चेखोव बिगन हिज करियर बाय राइटिंग डैश जी हाँ, जो एंटोन चेखोव उन्होंने अपना जो करियर शुरू किया था वो किस चीज़ को लिखने से शुरू किया था वो आपको बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, बाय राइटिंग कॉमिक स्केचेस जी हाँ, कॉमिक स्केच लिख करके उन्होंने अपना करियर को शुरू किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 जी हाँ, 49 स्क्रीन पे आ चुका। बोला जा रहा है, आई न्यू हाउ पाल्ट्री हाउ वल्गर वट ए मिंट एक्ट इज फ्रॉम जी हाँ, यानी यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये कहाँ से लिया गया है उसको आपको बताने हैं। तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, स्नैक से। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 हो चुका है, 50 को देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है, लीव्स ऑफ ग्रास वॉज पब्लिश्ड इन जी हाँ, यानी जो लीव्स ऑफ ग्रास है उसको कब प्रकाशित किया गया था वो बताने हैं। तो 50 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1855 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी इज फ्रॉम जी हाँ, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है वो आपको बताने हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एन एपिटाफ। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 जी हाँ, 52 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज फ्रॉम जी हाँ, यानी ये जो सेंटेंस है कहाँ से लिया गया है। इस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछते हैं इसलिए मैं आपको यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो 52 का ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, एन एपिटाफ हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 या 53 में क्या बोला जा रहा है, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विद थॉट्स इज फ्रॉम जी हाँ, ये सेंटेंस कहाँ से लिया गया है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, मैकाविटी द मिस्ट्री कैट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 जी हाँ, 54 में क्या बोला जा रहा है, नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज गिवन टू MLK JR जी हाँ, यानी जो नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को वो कब दिया गया था, तो मैंने इससे पहले आपको बताया था। जब 54 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ए करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, 1964 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 जी हाँ, 55 भी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वॉल्ट विटमैन बिलोंग टू जी हाँ, यानी जो वॉल्ट विटमैन है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको बताने हैं। तो 55 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, द USA। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 56 जी हाँ, 56 स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स आर रिटन बाई जी हाँ, यानी जो ओल्ड प्ले हाउस है और जो अदर पोएम्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, कमला दास। चलिए अब देख लेंगे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57 जी हाँ, तो 57 में क्या बोला जा रहा है, द ईयर AD 1066 इज टेकन टू बी एंड ऑफ द डैश पीरियड जी हाँ। मैंने यहाँ पे स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो सेकंड बुक है उस क्लास में मैंने आपको कवर करा दिया था। इस जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे यहाँ पे आपको बताने हैं कि जो 1066 है वो कौन से पीरियड का वो क्या है इंड है जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो अभी 57 का ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। खानी जो ओल्ड इंग्लिश है उसका ये क्या है एंड डेट है जी। हाँ मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड इंग्लिश है वो कब से कब तक होता है, यानी 450 एडी से लेकर 1066 एडी तक। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 जी। हाँ 58 भी इसकी भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विच लैंग्वेज फंक्शंस एज ए लिंक लैंग्वेज बिटवीन टू साउथ एंड नॉर्थ इंडिया जी। हाँ यानी कौन सा लैंग्वेज है जो क्या करता है, यानी साउथ और जो नॉर्थ इंडिया है उसके बीच में लिंक का काम करता है जी, यानी जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे 58 का ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इंग्लिश हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 जी। 59 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश जी। हाँ यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में जो मिडिल पीरियड है इंग्लिश का वो कौन सा है वो आपको बताने हैं। यहाँ पे 59 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी 1150 एडी से 1500 एडी हो जाएगा जी। हाँ क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो ओल्ड पीरियड है वो कब से कब तक है, 449 एडी से लेकर 1150, उसके बाद जो मिडिल पीरियड शुरू होता है कब से कब तक, यानी 1150 एडी से लेकर 1500 एडी जी। हाँ और 1500 एडी के बाद जो शुरू होता है वो हमारा मॉडर्न पीरियड शुरू हो जाता है। चलिए आप देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 जी। हाँ तो 60 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए और एड्रेस बताइए, विच पीरियड्स नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जी। हाँ यानी इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सा पीरियड है जो चाइल्डहुड पीरियड के नाम से जाना जाता है। जब 60 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, खरी मॉडर्न इंग्लिश पीरियड हो जाएगा जी। हाँ तो इसी क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेज जी। हाँ यहाँ पे आपको बताना है जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज से क्या है जी। हाँ यानी ओल्डर है, यंगर है, या क्लासिकल है, या नन ऑफ दी जी। हाँ इनमें से कोई नहीं जी। हाँ जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको कितनी बार पूछा जा चुका है, यानी 2019 से उसके एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसके 2020 में भी ये आईएससी के एग्जाम में पूछा जा चुका है जी। हाँ तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं जी। हाँ इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको बिल्कुल क्लास को देखना जरूरी है। यहाँ पे जो उनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी। जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज है उससे क्या है, यंगर है जी। हाँ यानी संस्कृत और जो पर्शियन लैंग्वेज है वो क्या है, काफ़ी ओल्डर है जी। हाँ आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और आप लोगों को अगर आंसर बताओगे तो आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। द ग्रेट वावल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग जी। हाँ जो ग्रेट वावल शिफ्ट है वो कौन से पीरियड के दौरान हुआ था वो आपको बताने हैं, यानी मॉडर्न इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश के दौरान हुआ था, या ओल्ड इंग्लिश या ब्रिटिश इंग्लिश जी। हाँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जी, मिडिल इंग्लिश में जी। हाँ जो ग्रेट वावल शिफ्ट हुआ था वो कौन से पीरियड में हुआ था, ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश में हुआ था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए आप लोग, न्यू वेराइटीज ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड जी। हाँ इंग्लिश की जो न्यू वेराइटी है वो जो संसार के अलग अलग भाग में क्या हुई है, यानी इमर्ज हुई है, तो वो कौन सी इंग्लिश है वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा, न्यू इंग्लिश है जी। हाँ न्यू इंग्लिश क्या है, ये नई वेराइटी की इंग्लिश है जो लगभग पूरे दुनिया में यानी क्या हो चुकी है, इमर्ज हो चुकी है जी। हाँ तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को। और आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताते चलेगा आपने कौन सा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज द यंगेस्ट जी, यानी इनमें से कौन सा लैंग्वेज है जो सबसे क्या है, यंगेस्ट है जी। हाँ यानी नया है। तो यहाँ पे 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, इंग्लिश। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जी। हाँ तो क्वेश्चन 5 स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, डैश इज द सिनोनिम ऑफ ड्रामा जी। हाँ यानी यहाँ पे कौन सा ड्रामा का क्या है, सिनोनिम है जी, यानी एक अर्थ वाला शब्द है। यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी प्ले जी। हाँ ड्रामा मतलब क्या होता है, नाटक, और प्ले का मीनिंग भी क्या होता है, नाटक, यानी दोनों क्या है, एक ही मीनिंग वाला शब्द है जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है, रेनेसा जनरेटेड ए न्यू स्पिरिट ऑफ जी। हाँ जो रेनेसा है वो कौन सी नई भावना को जनरेट किया है वो आपको बताने जी। हाँ ये भी क्वेश्चन आपको 2019 के सेट सी आईएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है जी। हाँ मैंने आपको जैसा ही बताया कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट होता है। तो 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा जी, खानी क्या हो जाएगा, इंट्रोस्पेक्शन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जाए, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आप लोग, इन द 18th सेंचुरी डैश पब्लिश्ड ए डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जी। हाँ यानी 18वीं शताब्दी में किसने यानी इंग्लिश लैंग्वेज का डिक्शनरी पब्लिश किया था, प्रकाशित किया था, वो आपको बताने हैं। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी, यानी सैमुअल जॉनसन ने किया था। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जी। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पर आ चुका, क्या बोला जा रहा है, चार्ल्स डिकेंस वॉज ए नॉवेलिस्ट ऑफ द जी। हाँ जो चार्ल्स डिकेंस थे वो यानी कौन सी शताब्दी के वो क्या थे, नॉवेलिस्ट थे जी। हाँ और उपन्यासकार थे। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी 19th जी, यानी 19वीं शताब्दी के। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जी। हाँ तो क्वेश्चन 9 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है,
द एंग्लो सैक्सन्स वर डैश पीपल, जी हाँ जो एंग्लो सैक्सन्स थे वो कैसे लोग थे जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 9 का ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जर्मेनिक हो जाएगा, ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी तरह देख लेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जी हाँ। तो क्वेश्चन 10 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जाएगा ध्यान से देखिए आप लोग। इंग्लिश डेवलप्ड इनटू ए सिंगल स्टैंडर्ड, जी हाँ। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा क्वींस इंग्लिश हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जी हाँ। तो क्वेश्चन 11 में क्या बोला जा रहा है ध्यान से देखिए आप लोग और आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। लैंगलैंड इज ए वेल नोन राइटर ऑफ डैश इंग्लिश लिटरेचर, जी हाँ जो लैंगलैंड है जी हाँ एक क्या है राइटर है, तो वो किसके लिए क्या है काफी वेल नोन यानी जाने जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, तो यहाँ पे आपको बताने हैं। यहाँ पे 11 का राइटर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ वेल नोन राइटर ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, जी हाँ जो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर है उसका क्या यानी लैंगलैंड को काफी अच्छा खासा राइटर माना जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, और आप लोग साथ साथ में अपना आंसर जरूर बताते चलिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नॉन एज, जी हाँ स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है उसको भी कैसे जाना जाता है यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 12 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा आरपी हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन, जी हाँ जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो किससे यंगर है, जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ऑल द थ्री यानी ये तीनों लैंग्वेज है ये तीनों से क्या है इंग्लिश लैंग्वेज यंगर है, जी हाँ काफी यंगर है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 जी हाँ। तो क्वेश्चन 14 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है। द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द डैश, जी हाँ जो एंग्लो सैक्सन्स जी हाँ जो एंग्लो सैक्सन्स लोग थे उन्होंने इंग्लैंड पे आक्रमण किया कब किया था, जी हाँ वो आपको बताने हैं कौन सी शताब्दी में कौन सी सेंचुरी में। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फिफ्थ यानी पांचवीं शताब्दी में सेंचुरी में क्या किया था आक्रमण किया था इन्वेड किया था। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है। द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ टुडे रिफ्लेक्ट्स डैश सेंचुरीज ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स, दिखा जो इंग्लिश लैंग्वेज है आज की जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो रिफ्लेक्ट करता है कौन सी यानी सेंचुरीज के पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट्स को आपको बताने हैं। तो 15 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं फिफ्थ सेंचुरी के, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 दिखा। तो क्वेश्चन 16 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन, दिखा यानी कौन साथ साथ में यानी किसको एंग्लो सैक्सन कहा जाता था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 16 का आइटम्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ऑल द थ्री यानी जो एंगल्स हैं उसके बाद जो सेक्शंस है और जो जूट्स है, दिखा ये तीनों को मिलाकर के क्या बोला जाता है एंग्लो सैक्सन्स कहा जाता है। जी हाँ देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला जाएगा। क्वेश्चन 17 में ध्यान से देखिए और राइटर से बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। डैश गेव इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज, जी हाँ यानी किसने इंग्लैंड को इसका नाम और इसको यानी इसकी भाषा को दिया लैंग्वेज को दिया वो आपको बताने हैं। तो 17 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एंग्लो सैक्सन्स ने। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 जी हाँ। तो क्वेश्चन 18 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। ओल्ड इंग्लिश कवर्स, जी हाँ जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो कहाँ से यानी कितने से कितने के बीच में है, जी हाँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन 18 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नहीं जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो 449 एडी से 1066 एडी तक इसका टाइम पीरियड है, जो आपको याद रखने दिखा क्योंकि आपको एग्जाम में ओल्ड इंग्लिश पीरियड उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड और आपको जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है उसका आपको टाइम पूछ सकता है, उसका पीरियड पूछ सकता है कब से कौन कब तक रहा, तो मैं आपको तीनों यहाँ पे बताऊंगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 दिखा। तो क्वेश्चन 19 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। मिडिल इंग्लिश कवर्स, दिखा जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक कवर करता है। तो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1150 एडी से 1500 एडी हो जाएगा, दिखा। और मैंने आपको बताया कि जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक है यानी 449 एडी से 1066 एडी, जी हाँ तो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारा जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है वो कब से कब तक कवर करता है, जी हाँ। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500 टिल नाउ, जी हाँ यानी जो 1500 एडी से अब तक जो इंग्लिश हम लोग यूज कर रहे हैं उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है, जी हाँ तो उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो ये आपको याद रखने हैं, जी हाँ। मैंने आपको यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश पीरियड उसके बाद मिडिल इंग्लिश पीरियड और जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है उसका टाइम टेबल आपको बता दिया, जी हाँ। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, तो आपको हर हाल में इसका आंसर पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 जी हाँ। तो 21 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जस्ट अबाउट डैश ईयर्स ओल्ड, जी हाँ जो हिस्ट्री है इंग्लिश लैंग्वेज का वो लगभग कितने साल पुरानी है, जी हाँ वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी हाँ 1500, जी हाँ यानी 1500 साल पुरानी है, जी हाँ किसकी इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री इतिहास। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22 जी हाँ। तो क्वेश्चन 22 भी स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है।
इन इंग्लैंड प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड, जी हाँ, यानी जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस है उसका कब आविष्कार हुआ था वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1476 यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जी हाँ 23 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वर, जी हाँ यानी जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसमें दो कौन से मेजर क्या थे प्रभाव थे वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पे 23 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, जी हाँ तो क्वेश्चन 24 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द गोल्ड पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वॉज द एरा ऑफ, जी हाँ जो गोल्ड पीरियड है जी हाँ इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन से एरा को कहा जाता है, कौन से युग को कहा जाता है वो आपको बताने हैं। तो 24 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड, जी हाँ यानी जो किंग अल्फ्रेड है उसका जो युग है उसी को क्या कहा जाता है, गोल्ड पीरियड कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में, ये आपको हराम पता होना चाहिए। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, जी हाँ 25 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द ईयर एडी 166 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द डैश पीरियड, जी हाँ तो मैंने आपको बता दिया कि जो यानी 1066 है वो कौन से पीरियड का क्या है वो एंड है, जी हाँ वो आपको बताने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उसका क्या है ये एंड है, जी हाँ तो अभी ऑप्शन में भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, जी हाँ तो क्वेश्चन 26 में क्या बोला जा रहा है, अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, जी हाँ यानी लगभग कब जो क्रिश्चियनिटी है वो इंग्लैंड में शुरू हुआ था, फैलना शुरू हुआ तो आपको बताने हैं। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 600 AD में, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, जी हाँ 27 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट फेज ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर कवर्स द पीरियड ऑफ, जी हाँ जो मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो फर्स्ट फेज है वो कौन से पीरियड को कवर करता है वो आपको बताने हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एडी 1150 से 1215, जी हाँ जो 1150 एडी से 1215 एडी तक इसको कवर करता है, यानी इंग्लिश यानी मिडिल इंग्लिश पीरियड का ये क्या है फर्स्ट फेज इसको बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, जी हाँ क्वेश्चन 28 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, जी हाँ तो हम लोग ने फर्स्ट फेज को देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग सेकंड फेज को बोला है कि जो सेकंड फेज है वो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का वो कौन सा है। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1250 एडी से 1350, जी हाँ तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज में क्या देखा था 1150 एडी से 1250 और इसमें 1250 एडी से 1350 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 29 को देख लेंगे हम लोग, क्या बोला जाए 29 में, चौसर गोवर लैंगलैंड एंड वेकलिफ आर इंपोर्टेंट राइटर्स ऑफ द डैश पीरियड, जी हाँ यानी जो मैंने आपको यहाँ पे राइटर का नाम लिया चौसर का, उसके गोवर का, उसके लैंगलैंड और जो वेकलिफ है ये कौन से पीरियड की क्या है इंपोर्टेंट राइटर है, ये आपको बताने हैं। तो भाई 29 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने ये सारे मिडिल इंग्लिश पीरियड का क्या है इंपोर्टेंट राइटर्स हैं। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 हो चुका है, 30 को देख लेते क्या बोला जा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश बिगिंस फ्रॉम, जी हाँ जो मॉडर्न इंग्लिश है वो कब शुरू होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था जिसका जो टाइम पीरियड है वो कब है, जब 30 का क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 1500 AD, जी हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था जो मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है वो 1500 जो अभी 1500 से लेकर जो अभी चल रही है टिल नाउ वो हमारा क्या है मॉडर्न इंग्लिश पीरियड है, जी हाँ। तो आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, जी हाँ और मैं यह गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पूरा देख लेगा तो जो स्टडी ऑफ इंग्लिश सेकंड बुक है उस बुक से जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा, जी हाँ क्योंकि मैंने देखा है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे गए इसी सारे क्वेश्चन से क्या है पूछे गए, जी हाँ यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। तो आप क्वेश्चन 31 को देख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड, जी हाँ जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड में कब इंट्रोड्यूस हुआ, जी हाँ उसका कब परिचय किया गया था। तो भाई 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 1476 ईस्वी में, दिखा जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंटिंग प्रेस है वो इंग्लैंड में कब उसका इन्वेंटेड हुआ था यानी आविष्कार हुआ था वो 1476 ईस्वी में हुआ था, दिखा जब उसका आविष्कार हुआ तब से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे होना शुरू हो गया। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 32, जी हाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका, क्या बोला जा रहा है, द नेम ऑगस्टान वॉज गिवन टू द अर्ली डैश सेंचुरी, जी हाँ जो ऑगस्टान नाम है ये कौन से अर्ली सेंचुरी को दिया गया है वो आपको बताने हैं। जहाँ पे क्वेश्चन 32 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो 18th यानी जो अर्ली 18th सेंचुरी है उसको ऑगस्टान नाम दिया गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33, जी हाँ स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका, क्या बोला जा रहा है, डैश वॉज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्टान एज, जी हाँ तो कौन सा एज है जिसको ऑगस्टान एज के नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो यहाँ पे जो 18th सेंचुरी है जी हाँ उसको ऑगस्टान नाम दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, जी हाँ तो क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका, क्या बोला जा रहा है,
द ब्रिटिश ग्रामर वॉज रिटन बाई जे बुकानन इन, जी हाँ जो ब्रिटिश ग्रामर है वो किस यानी बुकानन के द्वारा लिखा गया है वो कौन सी ईस्वी में लिखा गया है, तो आपको राइट आंसर बताने हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखाने 1762 यानी 1762 ईस्वी में। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35। जी हाँ, तो 35 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। द इंग्लिश फ्रॉम 15th century टिल नाउ इज कॉल्ड इंग्लिश। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया कि जो 15th century जो सेंचुरी से अभी तक जो इंग्लिश चल रही है वो कौन सी इंग्लिश चल रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 36 क्या बोला जा रहा है। 36 में ध्यान से देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। डैश इज ए विंडो टू द वर्ल्ड। जी हाँ, यानी कौन क्या है यानी दुनिया के लिए क्या है, खिड़की है। जी हाँ, ऑप्शन लैंग्वेज है, यहाँ पे 36 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सी। जी हाँ, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है, विंडो है, खिड़की है, दुनिया के लिए क्या है, ये खिड़की का काम करती है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 37। जी हाँ, तो क्या बोला था 37 में। डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर। जी हाँ, यानी किसको सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्या है, नेटिव स्पीकर। जी हाँ, वो आपको बताने हैं। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको क्या है, हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स हैं। दिखा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38। जी हाँ, 38 स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। इन द यूके द यूएसए आयरलैंड कनाडा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज ये। जी हाँ, जितने भी यानी मैंने कंट्री का नाम लिया तो इन सारे कंट्री में जो इंग्लिश बोला जाता है वो किस रूप में बोला जाता है, कौन सी लैंग्वेज के रूप में, तो 38 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मदर टंग के रूप में यानी मातृभाषा के रूप में बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन 39। जी हाँ, 39 में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और जितने भी ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। इन इंडिया सिंगापुर मलेशिया नाइजीरिया नामीबिया उसके बाद बोट्सवाना ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज ये। जी हाँ, इन सारे कंट्री में इंग्लिश बोला जाता है वो कौन से रूप में बोला जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सेकंड लैंग्वेज यानी जो द्वितीय भाषा है उसके रूप में बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे भारत यहाँ इंडिया में भी क्या है, इंग्लिश क्या है वो सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारा क्या है, हिंदी है, तो इन सारे कंट्री में भी ये सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये तो क्वेश्चन 40 भी स्क्रीन पे आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज ए डैश बाई द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो इंग्लिश है ये ऑल्सो यूज किया था किसके लिए, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया वो कैसे यूज किया था वो आपको बताने हैं। तो अभी 40 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखा नहीं मदर टंग के रूप में भी यूज किया जाता है। जी हाँ, यानी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है वो इंडिया में उसको इंग्लिश को यानी वो मदर टंग के रूप में यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं इंडिया में सेकंड लैंग्वेज के रूप में भी यूज होता है और ये मदर टंग के रूप में भी यूज होता है, तो आपको दोनों पॉइंट को याद रखने हैं। और मदर टंग के रूप में कौन इसको यूज करता है, यानी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41 स्क्रीन पे आ चुका है, अभी आपको क्लास में बने रहना है। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको इसी क्लास में जो जितना भी क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव इस बुक से आता है वो सारा कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन 41 में, इन चाइना जापान UAE सऊदी अरबिया इजिप्ट इराक एरिट्रिया फ्रांस जर्मनी स्विट्जरलैंड मैक्सिको ब्राजील ETC इंग्लिश इज स्पोकन एज। जी हाँ, जितने भी हमें कंट्री का मैंने नाम लिया इन सारे कंट्री में इंग्लिश किस रूप में बोला जाता है, कौन सी लैंग्वेज के रूप में बोला जाता है, तो 41 का एड्रेस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिखानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यानी विदेशी भाषा के रूप में बोला जाता है। चलिए आप देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 42। जी हाँ, तो क्वेश्चन 42 भी स्क्रीन पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। इंग्लिश डेवलप्ड फ्रॉम द स्पीच ऑफ द, जी हाँ, जो इंग्लिश का जो डेवलप हुआ, इंग्लिश जो विकसित हुआ वो किसके भाषण से हुआ, जी आपको बताने हैं। तो 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने एंग्लो सेक्शन के स्पीच से हुआ है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43। जी हाँ, तो 43 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्फीयर ऑफ, जी हाँ, जो अमेरिकन इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश से क्या है, डिफर है, जिखानी अंतर है, वो किस किस चीज़ में अंतर है वो आपको बताने हैं, यानी स्पेलिंग में या वोकैबुलरी में या ग्रामर में या ऑल द थ्री। जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से तीनों में क्या करती है, डिफर करती है, यानी अंतर पाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 44। जी हाँ, तो क्वेश्चन 44 भी स्क्रीन पर आ चुका है, क्या बोला जा रहा है। अबाउट 10 years अगो लैटिन वॉज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। जी हाँ, यानी लगभग कितने साल पहले, कितने ईयर्स पहले जो लैटिन लैंग्वेज था वो क्या था, यानी एक वर्ल्ड लैंग्वेज था, यानी पूरी दुनिया में लगभग बोली जाती थी, जैसा कि अभी क्या है, इंग्लिश क्या है, एक वर्ल्ड लैंग्वेज यानी ग्लोबल लैंग्वेज बन चुका है, तो लैटिन कौन से कितने साल पहले था, तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अबाउट 800 years अगो यानी 800 साल पहले। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 45। जी हाँ, क्वेश्चन 45 में क्या बोला जा रहा है।
इन द लास्ट फ्यू डिकेट्स ऑफ द डैश सेंचुरी द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ बीन रैपिड चेंजेस दिखा, यानी कौन सी सेंचुरी के जो लास्ट फ्यू डिकेट्स है, यानी जो लास्ट कुछ दशक है उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो काफ़ी तेजी से क्या हुआ, इसमें चेंज हुआ है यानी परिवर्तन आया है, तो वो कौन सी सेंचुरी के लास्ट डिकेट्स हैं। तो ये 45 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने 20 यानी 20वीं शताब्दी के जो लास्ट कुछ दशक है उसमें इंग्लिश काफ़ी, यानी इंग्लिश में काफ़ी परिवर्तन आया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 46 जी हाँ, तो क्वेश्चन 46 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ड्यूरिंग द डैश सेंचुरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट इज स्वेप्ट इन यूरोप, जी हाँ, यानी कौन सी शताब्दी के दौरान जो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट यूरोप में हुआ वो स्वेप्ट हो गया, जी हाँ, उसको खत्म कर दिया गया। तो फिर 46 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं 15 सेंचुरी हो जाएगा। जी हाँ देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47 जी हाँ, तो क्वेश्चन 47 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, इन हिज पोएटिक वर्ड्स चौसर डिड नॉट यूज, जी हाँ, जो चौसर है उन्होंने अपने पोएटिक वर्ड्स में किस चीज़ को यूज नहीं किया है वो आपको बताने हैं। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखानी डिड नॉट यूज द ओल्ड इंग्लिश, दिखानी अपने पोएटिक लैंग्वेज में पोएटिक वर्ड्स में उन्होंने ओल्ड इंग्लिश का यूज नहीं किया है। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48 जी हां, तो क्वेश्चन 48 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय, जी हां, जो कैंटरबरी टेल्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए चौसर हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49 जी हां, क्या बोला जाए, 49 में पैराडाइज रिगेंड वॉज रिटन बाय, जी हाँ, तो यहाँ पे मैं जितनी भी बुक का आपको बताऊंगा राइटर का नाम, ये आपको हर हाल में याद कर लेना, दिखा, क्योंकि आपको एग्जाम में इन्हीं से पूछा जाएगा, इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो पैराडाइज रिगेंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मिल्टन हो जाएगा, नहीं जॉन मिल्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 50 जी हाँ, तो 50 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो पैराडाइज लॉस्ट है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 50 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मिल्टन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 51 जी हाँ, तो 51 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द रेप ऑफ द लॉक वॉज रिटन बाई, जी हाँ, जो रेप ऑफ द लॉक है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 52 जी हाँ, तो 52 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हुदी ब्रास वॉज रिटन बाई, जी हाँ, जो हुदी ब्रास है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 52 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने बटलर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 53 जी हाँ, तो 53 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मैक फ्लेक्नो वाज रिटन बाय, जी हाँ, जो मैक फ्लेक्नो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं ड्राइडन यानी जॉन ड्राइडन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 54 जी हाँ, तो 54 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फेरी क्वीन वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो फेरी क्वीन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं स्पेंसर हो जाएगा, यानी एडमंड स्पेंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 55 जी हाँ, तो 55 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए और राइटर से बताइए आप लोग, डॉक्टर फॉस्टस वॉज रिटन बाय, जी हाँ, जो डॉक्टर फॉस्टस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे 55 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रिस्टोफर मार्लो हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 56 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, एडवर्ड सेकंड वॉज रिटन बाय, एडवर्ड सेकंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो फिर 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं क्रिस्टोफर मार्लो हो जाएगा, जी हाँ। और जैसा मैं अभी बुक का नाम और जो मैं राइटर का नाम बता रहा हूँ, अगर आप ये देख लेते हैं तो आपको इससे बिल्कुल भी बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। चलिए आप क्वेश्चन 57 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, वीनस एंड एडोनिस वॉज रिटन बाय, जी हाँ, वीनस और जो एडोनिस है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो अभी 57 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं शेक्सपियर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58 जी हाँ, 58 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, वर्ड्सवर्थ वॉज, जी हाँ, जो वर्ड्सवर्थ थे वो क्या थे वो आपको बताने हैं, तो 58 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने वॉज ए पोएट वो क्या थे, कवि थे। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 59 जी हाँ, तो 59 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, हैमलेट इज, ये जो हैमलेट है वो क्या है, ट्रेजिडी है या कॉमेडी है या फार्स है या नन ऑफ दी, जी हाँ, तो 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या है, एक ट्रेजेडी है। चलिए अब देख लीजिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 60 जी हाँ, तो क्वेश्चन 60 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, किंग लियर इज ए, जी हाँ, जो किंग लियर है वो क्या है, कॉमेडी है, ड्रामा है या पोएट्री है, तो यहाँ पे 60 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने क्या है, एक ड्रामा है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 61 जी हाँ, तो क्या बोला जा रहा है, पियर्स द प्लॉमेन इज रिटन बाय, जी हाँ, पियर्स द प्लॉमेन है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 61 का ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दिखा, लैंगलैंड यानी विलियम लैंगलैंड हो जाएगा। जैसा कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जी हाँ, और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लास को करना है, और क्लास अच्छी लगे तो आपको हर हाल में लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको शेयर कर देना है। चलिए आप क्वेश्चन 62 को देखिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए आप लोग। ओथेलो, हेमलेट, जूलियस सीजर, मैकबेथ एंड किंग लियर वर रिटन बाय जी हाँ, यानी जितने भी मैंने पुस्तक का बुक का नाम लिया ये किसके द्वारा लिखा गया था वो आपको बताने हैं। तो 62 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जी, शेक्सपियर जी, विलियम शेक्सपियर द्वारा ये सारा लिखा गया है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63 भी इसकी भी आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, विजन ऑफ जजमेंट वॉज रिटन बाय जी हाँ, जो विजन ऑफ जजमेंट है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो फिर 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने लॉर्ड बायरन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 64 क्या बोला जा रहा है, रिवोल्ट ऑफ इस्लाम वाज रिटन बाय जी हाँ, जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो अभी 64 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिखाने शेल्ली हो जाएगा, पी बी शेल्ली हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 65 जी हाँ, तो 65 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द स्कॉलर जिप्सी हैज बी रिटन बाय जी हाँ, जो स्कॉलर जिप्सी है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो 65 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 66 जी हाँ, तो 66 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, सौरभ एंड रुस्तम हैज बीन रिटन बाय जी हाँ, जो सौरभ और रुस्तम है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो आपको बताने हैं। तो फिर 66 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने मैथ्यू आर्नोल्ड हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 67 जी हाँ, तो 67 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द गीतांजलि हैज बी रिटन बाय जी हाँ, जो गीतांजलि है वो किसके द्वारा लिखा गया है वो बताने हैं। तो 67 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 68 जी हाँ, 68 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए आप लोग, द सावित्री हैज बी रिटन बाय जी हाँ, जो सावित्री है यानी पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे 68 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने और बिंदु घोष हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 69 जी हाँ, तो 69 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जाए, ध्यान से देखिए आप लोग, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश वर्ड जी हाँ, यानी जो वर्ड ड्रामा है ये कहाँ से आता है जी हाँ, कहाँ से लिया गया है इसको बताने आपको। तो 69 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जो वर्ड ड्रामा है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोला जा रहा है, ट्रेजिडी एंड्स विद जी हाँ, जो ट्रेजिडी होता है वो खत्म होता है, किससे खत्म होता है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बिल्कुल बी करेक्ट हो जाएगा, दिखाने सौरो यानी जो ट्रेजिडी होता है उसमें जो होता है वो दुख को ही लिखा जाता है, किसी के दुख के बारे में ही लिखा जाता है उसमें, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 71 जी हाँ, 71 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, कॉमेडी इन स्वीट जी हाँ, कॉमेडी है वो किससे यानी उसका एंड होता है, किससे समाप्ति होती है उसकी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हैप्पीनेस जी हाँ, जिस प्रकार कॉमेडी में हैप्पीनेस को लिखा जाता है, हैप्पीनेस को बताया जाता है, उसी प्रकार ट्रेजिडी में सौरव को दिखाया जाता है, दुख को दिखाया जाता है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 72 जी हाँ, 72 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, फॉर ए ड्रामा एक्सपोजिशन इज जी हाँ, तो ड्रामा के लिए जो एक्सपोजिशन है वो क्या है, यहाँ पे आपको बताने हैं। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने इसेंशियल हो जाएगा, काफी क्या है, महत्वपूर्ण है। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 73 जी हाँ, तो 73 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, मोरलिटी प्लेज डेवलप्ड इन जी हाँ, जो मोरलिटी प्लेज है वो डेवलप्ड हुआ है, कब विकसित हुआ जी हाँ, वो आपको बताने कौन सी एज में। तो 73 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मिडिल एज में जो मोरलिटी प्लेज है वो काफ़ी क्या हुआ, डेवलप हुआ। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 74 जी हाँ, क्या बोला जा रहा है, द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजिडी हुआ जी हाँ, जो पहली इंग्लिश ट्रेजिडी है वो क्या थी वो आपको बताने हैं। तो 74 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने गॉडबुटुक हो जाएगा जी हाँ, जो गॉडबुटुक है वो क्या है, सबसे पहली ट्रेजिडी है इंग्लिश की जी हाँ। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 में क्या बोला जा रहा है, ओथेलो इज ये जी हाँ, जो ओथेलो है वो क्या है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, नॉवेल है या स्टोरी है। तो 75 के राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएगा, दिखाने ओथेलो क्या है, ट्रेजिडी है, जिसके राइटर कौन है, विलियम शेक्सपियर। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 76 क्या बोला जाए, 76 में मर्डर इन द कैथेड्रल वॉज रिटन बाय जी हाँ, जो मर्डर इन द कैथेड्रल बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो 76 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने टीएस एलियट हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 77 जी हाँ, 77 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल जी हाँ, किसको फादर ऑफ द मॉडर्न नॉवेल कहा जाता है वो आपको बताने हैं। तो 77 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने रिचर्डसन हो जाएगा।
चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78। जी हाँ 78 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, पमेला वॉज रिटन बाई, जो पमेला है वो किसके द्वारा लिखा गया था, यहाँ पे 78 के राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखिए रिचर्डसन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 79। क्या बोला जा रहा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस वॉज रिटन बाई, जो किसके द्वारा लिखा गया, प्राइड एंड प्रेजुडिस, यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं जेन ऑस्टिन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। जी हाँ तो क्वेश्चन 80 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, डेविड कॉपरफील्ड वॉज रिटन बाई, जी हाँ डेविड कॉपरफील्ड किसके द्वारा लिखा गया था, तो 80 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, पिकविक पेपर्स वॉज रिटन बाई, पिकविक पेपर्स है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो 81 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये भी डिकेंस यानी चार्ल्स डिकेंस हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। क्या बोला जा रहा है, कुली वॉज रिटन बाई, जो कुली है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो 82 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुल्क राज आनंद हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन 83 को देख लीजिए। क्या बोला जा रहा है, सरपेंट एंड द रॉप वॉज रिटन बाई, जी हाँ जो सरपेंट एंड द रॉप है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो 83 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जी राजा राव हो जाएगा। जी हाँ जैसे कि मैंने जितने भी यहाँ पे बुक और राइटर्स के नाम बताए, अगर आप ये सारे याद कर लेते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन 84 को देख लीजिए, अनटचेबल वॉज रिटन बाई, जी हाँ जो अनटचेबल है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो 84 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं मुल्कराज आनंद हो जाएगा। चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। जी हाँ 85 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई, जी हाँ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 85 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं अरुंधति रॉय हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन 86। जी हाँ 86 में क्या बोला जा रहा है, ट्रेन टू पाकिस्तान इज रिटन बाई, जी हाँ जो ट्रेन टू पाकिस्तान है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो 86 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नहीं खुशवंत सिंह हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 87। जी हाँ 87 में स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ए बेंड इन द गैंगेज इज रिटन बाई, जिखा ये किसके द्वारा लिखा गया, ए बेंड इन द गैंगेज, तो 87 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखा नहीं मनोहर मालगांवकर हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 88। जी हाँ तो क्वेश्चन 88 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, आर्म्स एंड द मैन इज रिटन बाई, जिखा ये किसके द्वारा लिखा गया, आर्म्स एंड द मैन, यहाँ पे 88 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दिखाने जी बी सौ हो जाएगा। जी हाँ तो आज की इस क्लास में मैंने आपको क्लास 12 इंग्लिश का सेकंड बुक स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे मैंने बिल्कुल भी कवर करा दिया। अगर आपने इस पूरे क्लास को कर लिया तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बुक से एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जी हाँ और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आपको लाइक कर देना, आप दोस्तों में आपको शेयर कर देना, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे चैनल को हर हाल में आपको सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ क्योंकि मैं आपको एग्जाम से पहले जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और टाइम पर आप क्लास को अटेंड कर सके। और आपको जो भी डाउट्स हो जो भी क्वेश्चन हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया, आपको लिंक को क्लिक करके जो जहाँ से भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय टाटा सी ऑन द नेक्स्ट क्लास।